जैसे कि आप लोगों को ये पता है कि हम नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ पर्संस विद विजुअल डिसेबिलिटी एक ऑनलाइन सीरीज ऑफ सेमिनार शुरू कर रहा है। उसका मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि जो हम लोगों की फेस टू फेस टीचिंग नहीं हो पा रही है, उस फेस टू फेस टीचिंग के सब्स्टिट्यूट के लिए या कंपनसेट करने के लिए हम इस तरह के वेबिनार्स ऑर्गेनाइज करा रहे हैं। इन वेबिनार्स का फायदा ये है कि हम लोगों के पास जो एक्सपर्ट्स जो अलग अलग जगह पर बैठे हुए हैं, इंडिया के अलग अलग पार्ट में है, वो अपनी सारी नॉलेज हम लोगों को देंगे, उनके जो एक्सपर्टाइज है उस पर हम लोग बेनिफिट ले पाएंगे और एक ही प्लेटफॉर्म पर हम लोग सब लोग मिलकर उनकी जो एजुकेशन है, उनके जो स्पेशल एजुकेशन की फील्ड के एक्सपीरियंस है उसका बेनिफिट ले पाएंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि इसके साथ में ये जो भी दिए जा रहे हैं, जो हम बात कर रहे हैं, जो डिस्कशन होगा, इस ये डिस्कशन आप लोगों का एक यूट्यूब लिंक के साथ कनेक्ट कर दिया जाएगा। इन केस अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जो कि हमारे साथ ऐड नहीं हो पाया है या किसी कारण से हम लोगों के साथ कनेक्ट नहीं हो पाया है, तो वो फ्यूचर में जाकर अपने आप यूट्यूब लिंक से कनेक्ट होकर इस सारे लेक्चर को देख पाएगा। तो ये एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म डेवलप कर लेंगे हम लोग ताकि बच्चों को आसानी से इन सब चीजों के बारे में। प्लीज ये स्वाति मैम अपना प्रेजेंटेशन वाला बटन ना दबाए। तो ये एक हम लोगों के लिए बेनिफिट है। साथ में जो नेशनल इंस्टीट्यूट है जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि पूरे इंडिया को हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करा पाए जहां पर स्पेशल एजुकेशन से रिलेटेड हम कंपोनेंट्स उन्हें दे पाए और जो मटेरियल है वो हम वेबसाइट पर एक्सेसिबल फॉर्मेट में सबके लिए अपलोड कर सके। ये एक बहुत अच्छा आइडिया जो हमारे निदेशक महोदय डॉक्टर हिमांशु दास जी ने हमें दिया और इसको हम कंटिन्यू करते रहेंगे और फ्यूचर में भी लगातार, जो कि इस वेबिनार का एक ऑब्जेक्टिव है कि हम हर हफ्ते किसी ना किसी टॉपिक पर बात करेंगे, किसी ना किसी टॉपिक पर ऐसे एक्सपर्ट्स को बुलाएंगे जो कि अपनी फील्ड में बहुत एक्सपर्टाइज रखता है और जो इंडिया में किसी भी कोने पर, अगर फॉरेन में भी है तो भी वो बैठे हुए हम लोगों के बच्चे और जो आप लोग हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, जो रिहैबिलिटेशन ऑफिसर्स हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उन सब लोगों को इसका बेनिफिट मिल पाएगा। अब मैं डायरेक्टर साहब से रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज हमारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं उन्हें अपने दो शब्द कहें। थोड़ा सा टेक्निकल इश्यू हो गया था, इस वजह से थोड़ा प्रोग्राम लेट शुरू हुआ और कोशिश करेंगे कि फ्यूचर में इस तरह की कोई प्रॉब्लम ना आए, मगर ये टेक्निकल चीजें हैं, अचानक ही अगर इस तरह की समस्या आ जाए तो उससे हम सब लोगों को एनकाउंटर करना पड़ता है। मैं डायरेक्टर हिमांशु दास सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज दो शब्द हमारे पार्टिसिपेंट्स के लिए कहें। सर नमस्कार। सर सबसे पहले तो मैं डॉक्टर विनोद जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा कि ये मुहिम आपने एक राष्ट्रीय स्तर पे ये मुहिम आपने शुरू किया है, जिस प्लेटफॉर्म के जरिए हम लोग चाह रहे हैं, डॉक्टर विनोद साहब की इनिशिएटिव में हम लोग चाह रहे हैं कि ऑल ओवर इंडिया हमारे जितने भी बीएड एमएड के बच्चे हैं और उनकी कोऑर्डिनेटर्स हैं, टीचर्स हैं, उनकी गेस्ट फैकल्टीज हैं, उन सबको हम एक इंटरेक्शन के फोरम दे पाएंगे, एक लर्निंग के फोरम दे पाएंगे। COVID-19 के वजह से लर्निंग काफी हद तक फेस टू फेस लर्निंग हैज बीन अफेक्टेड और आगे भी हम लोग ऐसा सोच रहे हैं, ऐसा दिखाई दे रहा है हमें कि काफी दिन तक शायद ये लर्निंग अफेक्टेड रहेंगे। तो ये प्लेटफॉर्म एक बहुत ही बढ़िया प्लेटफॉर्म के जरिए आगे जाके उभरना पड़ेगा। सारे फैकल्टीज, कोऑर्डिनेटर और हमारे स्टूडेंट्स के लिए इस प्लेटफॉर्म को हम एक नेशनल लेवल, एक एक्सपर्ट फोरम की तरह इस प्लेटफॉर्म को यूज करें और जितने भी सिलेबस के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं और सिलेबस के उपरांत भी और जो भी ऐसे मुद्दे हैं जो आपको लगता है कि क्रॉस डिसेबिलिटी इश्यूज हैं या इंक्लूसिव एजुकेशन इशू है या यूनिवर्सल डिजाइन रिलेटेड इश्यूज हैं या न्यूअर एंड न्यूअर टेक्नोलॉजी रिलेटेड इश्यूज हैं या ग्लोबल पर्सपेक्टिव रिलेटेड इश्यूज हैं, तो बियॉन्ड सिलेबस भी हैं। मैं चाहूंगा डॉक्टर विनोद साहब की अगुवाई में हमारे सारे ऑल ओवर इंडिया के जितने भी कोऑर्डिनेटर्स हैं, फैकल्टीज हैं, सब लोग इसको एक प्लेटफॉर्म बनाए और एक बहुत ही प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म के जरिए इस प्लेटफॉर्म को आगे ले जाएं ताकि जितने भी टॉपिक्स हैं हमारे, वो टॉपिक्स तो कवर हो ही हो पूरे साल भर में, टॉपिक्स के अलावा भी हम लोग एक नेशनल लेवल पे बियॉन्ड द टॉपिक्स, बियॉन्ड द होराइजन, जितने भी हमारे प्री सर्विस स्टूडेंट्स हैं उनके लिए हम ऐसा कुछ एक प्लेटफॉर्म दे पाए कि उनको बिल्कुल कमी महसूस ना हो कि टीचर के बगल में वो बैठे हुए ना हो।
तो हम यही उम्मीद करेंगे सारे स्टूडेंट जो है अपने जितने भी साथ के सहपाठी हैं उनको भी जोड़े, बिकॉज काफी दिन से जब आप लोग कॉलेज नहीं आ रहे हैं तो अंदाजा यही है कि बहुत से बच्चे शायद पढ़ाई लिखाई से धीरे धीरे दूर जा रहे होंगे, लेकिन इस कोविड के समय में हम अगर पढ़ाई के साथ जुड़ नहीं पाएंगे और बहुत महीने तक अगर हम पढ़ाई से दूर रहेंगे तो मुझे डर है कि शायद टीचर एजुकेशन की जो बेसिक गोल है वो गोल हम अचीव नहीं कर पाएंगे। लर्निंग में मेमोरी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, स्किल बहुत इंपॉर्टेंट होती है, स्किल पॉलिशिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है, स्किल रिहर्सिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ज्यादा दिन तक अगर आप लोग दूर रहेंगे तो डेफिनेटली आपकी लर्निंग बहुत ज्यादा इफेक्ट होंगे, तो इसलिए हम अनुरोध करेंगे सारे हमारे बीएड और एमएड के स्टूडेंट्स के कि वो लोग अपनी हुनर को पॉलिश करने के लिए इसके साथ जुड़े रहें और इस प्लेटफॉर्म में जितना ज्यादा हो सके उतने ज्यादा वेबिनार उतने ज्यादा ऑनलाइन क्लासेस हो और सारे लोग मिलके जो है इसकी भरपूर फायदा उठाए। मैं पुनः डॉक्टर विनोद जी का धन्यवाद करना चाहूंगा और आप सभी कोऑर्डिनेटर फैकल्टीज और स्टूडेंट्स को आमंत्रण करता हूं, अभिनंदन करता हूं, आप लोग इस प्लेटफॉर्म के जरिए जितना ज्यादा हो सके बेनिफिट उठाइए और जो फेस टू फेस क्लासेस हैं उसकी जो भी लॉसेस हैं उसकी पूरी तरह से भरपाई करें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू जी। सर थैंक यू वेरी मच। बहुत धन्यवाद जो आपने इतने बिजी शेड्यूल में से हम लोगों के लिए थोड़ा सा समय निकाला। उम्मीद करते हैं कि आपके डायरेक्शन में आपकी गाइडेंस में हम लोग वो सारे ऑब्जेक्टिव अचीव कर पाएंगे जो आपने हमें बताए हैं और आपकी डायरेक्शन हमें समय समय पर मिलती रहेगी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब मैं अपने रिसोर्स पर्सन के बारे में आप लोगों को बताना चाहूंगा। हमारे आज के इस वेबिनार में दो महत्वपूर्ण रिसोर्स पर्सन है जो कि विजुअल डिसेबिलिटी की फील्ड में बहुत लंबा अनुभव है। इसमें पहले नाम मैं डॉक्टर गीतिका माथुर मैडम का लेना चाहूंगा। डॉक्टर गीतिका माथुर मैडम एक एमिनेंट पर्सनैलिटी है इन द फील्ड ऑफ स्पेशल एजुकेशन, खासतौर से विजुअल इंपेयरमेंट की फील्ड में। इनका लगभग 30 साल का एक्सपीरियंस रहा है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद विजुअल डिसेबिलिटी में। मेडिकल ऑफिसर के तौर पर यहाँ पर कार्यरत रही है और अभी अभी वीआरएस लेकर गई है। मैम ने परकिंस से एक लो विजन में डिप्लोमा भी करके आई है जो कि हम लोगों के लिए काफी गौरवपूर्ण बात है कि मैडम परकिंस से आकर हमारे नेशनल इंस्टीट्यूट में उसकी सर्विसेज दी है और लगातार मैडम इस टॉपिक को पिछले 10 सालों से डिपार्टमेंट ऑफ स्पेशल एजुकेशन में मैडम पढ़ा रही है। मैडम आपका बहुत बहुत शुक्रिया, वेलकम। इसके साथ साथ में मैं डॉक्टर पंकज कुमार जी का भी वेलकम करना चाहूंगा। डॉक्टर पंकज कुमार जी पिछले 15 साल से स्पेशल एजुकेशन की फील्ड में काम कर रहे हैं। आज हम लोग जिस प्लेटफॉर्म पर बैठे हैं वो डॉक्टर पंकज कुमार जी की देन है। डॉक्टर साहब ने काफी लंबा एक्सपीरियंस रहा है स्पेशल एजुकेशन की फील्ड में, स्पेशली लो विजन और विजुअल डिसेबिलिटी के बारे में। शायद इंडिया में अगर जानी मानी हस्ती है तो उसमें से एक पंकज कुमार जी भी है, तो मैं डॉक्टर पंकज मुझे अपने कुछ पुराने स्टूडेंट्स भी दिखाई दे रहे हैं तो बहुत बहुत अच्छा लग रहा है एंड आई वेलकम यू ऑल। वर्चुअल क्लास का एक अलग ही एसेंस है एंड आई रियली डोंट नो हाउ वी विल गेट यूज्ड टू इट, बट लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक ऑफ द एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ ह्यूमन आई। सो वी स्टार्ट विद द एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ ह्यूमन आई, अ वेरी सब्जेक्ट विच हैज बीन वेरी क्लोज टू माई हार्ट और मैंने आप लोगों में से कई लोगों को ये पढ़ाया भी होगा। तो जब हम इसको देखते हैं तो हमको ह्यूमन आई कैसी दिखती है ये हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं, और अगर आप देखें तो ये इस तरह की दिखाई देती है जैसे एक बादाम के शेप में। तो हम आई ऑलवेज से दैट द आई ऑलमोस्ट लुक्स लाइक एन आलमंड, पर हमको कहा जाता है कि आंख गोल है, पर ये ऐसा लगता है कि इसके अंदर एक सफेद जैसा बादाम होता है, उसके बीच में एक काला जैसे अगर हम बिंदी लगा दें उस तरह की हमारी आंख हमें दिखाई देती है। पर सच में देखा जाए तो आंख ऐसी नहीं है, आंख बिल्कुल गोल होती है और ये जो गोल कार आंख होती है ये एक बोनी केज जिसको हम ऑर्बिट के नाम से जानते हैं उसके अंदर पाया जाता है। ये ऑर्बिट जो होता है ये पूरा आंख हमारी आंख को आंख के आंख को दबा के रखता है और आंख इसके अंदर बैठी जैसी होती है और ऑर्बिट जो है ये कोन शेप में होता है।
जैसा हम देखते हैं कि जो आंख है एक एक राउंडेड स्ट्रक्चर है, देखने में तो बिल्कुल ऐसा लगता है कि मैंने जैसे आपको समझाया कि एक बादाम जैसा है, उसके ऊपर एक काली बिंदी लगी हुई है, पर जब हम देखते हैं तो वो एक राउंडेड स्ट्रक्चर है और वो राउंडेड स्ट्रक्चर एक बोनी केज जिसको हम ऑर्बिट के नाम से जानते हैं उसके अंदर पाया जाता है। ये जो ऑर्बिट होता है ये एक कोन नुमा स्ट्रक्चर है, जिसे एक लंबा सा ट्रायंगल, जैसे आपने कोन आइसक्रीम कोन ले होगी उस तरह से दिखता है, और उसके ऊपर अगर हम एक वैनिला का स्कूप रख दें तो हमारी आंख बिल्कुल एक वाइट स्कूप की तरह उस कोन के ऊपर दिखाई देती है। और ये इस तरह से अगर हमारा कोन डेप्थ में देखते जाए तो ये लंबा सा दिखाई देता है और ये हमारे पीछे आंख के मतलब स्कल के अंदर पाया जाता है, और ये सामने इसके बिल्कुल हमको ये जो आंख होती है वो दिखाई देती है। ऑर्बिट का बेसिक काम होता है कि किसी तरह हमारी आंख को सेव करके रखे। अगर हम देखेंगे तो बहुत सारी हमारे आंख में कई सारे स्ट्रक्चर्स हैं जो हमें दिखाई देते हैं, और आप लोग इसको छू के भी देख सकते हैं और ये हमारे को दिखाई भी दे रहे हैं। इसमें आईलिड्स हैं जिनको हम पलक के नाम से जानते हैं, और आईलिड्स के बिल्कुल आगे पतली पतली हमारी आई लैशेस होती हैं। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो एक सफेद आंख में सफेद स्ट्रक्चर दिखाई देता है, और ये सफेद स्ट्रक्चर के आगे एक पतली सी छिल्ली होती है जिसको हम कंजंक्टिवा के नाम से जानते हैं। जहां पर एक ये ब्लैक स्ट्रक्चर होता है ये इसको कॉर्निया बोलते हैं, और इस यहाँ पर भी एक पतली झिल्ली होती है जिसको कॉर्निया का नाम दिया जाता है, और जो ये सफेद जो स्ट्रक्चर हमें दिखाई देता है इसको हम स्क्लेरा बोलते हैं। अगर आप देखें तो वो काला जो स्ट्रक्चर आपके आंख में है उसके बीच में एक सेंटर में एक बिल्कुल एक और ब्लैक डॉट जैसा दिखाई देता है, इसी को हम प्यूपल बोलते हैं, और ये काला स्ट्रक्चर हमारा आयरिस कहलाता है। जो हम ये सारी चीजें हैं जो हमको आंख में दिखाई देती हैं, विच इज विजिबल ऑल द टाइम। अगर हम देखें तो जो ये काला स्ट्रक्चर है हमारी आंख में उसके आगे एक पतली झिल्ली होती है, वो पतली झिल्ली एक हल्का सा उभार लेके होती है, क्योंकि वो झिल्ली ट्रांसपेरेंट है और बिल्कुल पारदर्शी है, इस कारण से वो झिल्ली जो है हमें दिखाई नहीं देती, और जो हमें दिखाई देता है वो काला स्ट्रक्चर दिखाई देता है जो कि हमारा आयरिस होता है। पर ये जो ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन होती है ये राउंड है और बिल्कुल काले वाले जो हमारा पोर्शन होता है उसके ऊपर पाई जाती है, और इस राउंड स्ट्रक्चर को हम कॉर्निया के नाम से जानते हैं। ये कॉर्निया जो होती है ये 11 to 11.5 मिलीमीटर की होती है इसका डायमीटर, और ये इसकी थिकनेस बहुत ही कम है 0.5 मिलीमीटर की। पर एक खास बात है कॉर्निया के अंदर कि इसके अंदर कोई ब्लड वेसल्स नहीं पाई जाती, और पर इसके अंदर बहुत सारी नर्व सप्लाई होती है, मीनिंग thereby that कोई भी कोशिकाएं इसमें नहीं है पर इसमें बहुत सारी नर्व्स हैं। अब मैं एक क्वेश्चन आपके पास रखूंगी कि इसमें ब्लड सप्लाई या ब्लड वेसल्स क्यों नहीं होती, और इसको हम डिस्कशन वाले टाइम में डिस्कस करेंगे, और ये मेरा बड़ा फेवरेट क्वेश्चन है जो बच्चे मेरे को जिन्होंने मेरे से पढ़ा हुआ है वो जरूर इसका आंसर जानते होंगे। और बहुत सारी इसमें नर्व एंडिंग्स होती हैं इसलिए ये बहुत सेंसिटिव होता है। इसके ऊपर एक भार की तरफ एक उभार होता है, जिस तरह से हमारी घड़ी के डायल पे हल्का सा उभार होता है उसी तरह कॉर्निया पे एक भारी उभार होता है। तो देखा जाए तो कॉर्निया एक ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चर है जो हमारे काले पोर्शन के ऊपर होती है, और ये बिल्कुल राउंड स्ट्रक्चर है, एकदम ट्रांसपेरेंट है, और ये हम अगर साइड में खड़े हों तो ये हल्का सा उभार हमें दिखाई दे जाता है कभी कभी। अगर इस काले पोर्शन को अगर हम आगे 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 चलते हैं तो टुवर्ड्स द वाइट स्ट्रक्चर जहां पे ये सफेद पोर्शन दिखाई देता है वहां पर भी एक हल्की सी मेम्ब्रेन है, और इस मेम्ब्रेन को हम कंजंक्टिवा के नाम से जानते हैं। ये भी पतली झिल्ली की जैसी है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है, और ये पूरे सफेद पोर्शन को ढक के रखती है, इसको हम कंजंक्टिवा के नाम से जानते हैं। ये दो पोर्शन में डिवाइडेड है, एक तो वो पोर्शन है जो सफेद पार्ट के ऊपर कवर करता है, और दूसरा वो पोर्शन है जो हमारे अंदर जो हमारी पलक होती है उसके ऊपर पाया जाता है। तो इसके दो पोर्शन होते हैं, जो आंख के ऊपर होता है पोर्शन उसको हम बल्बर कंजंक्टिवा कहते हैं, और जो लिड के नीचे होता है तो इसको हम इसको पल्पेबरल कंजंक्टिवा कहते हैं। अगर आप इसमें ध्यान से देखेंगे तो ये जो स्लाइड है इसमें जो डायग्राम दिख रहा है इसमें आंख को अगर हम थोड़ा सा नीचे झुका के देखेंगे तो वहां पर ये
जो पेल्पेब्रल कंजंक्टिवा होती है वो दिखाई देती है, और जो व्हाइट पोर्शन के ऊपर होती है वो पतली सी झिल्ली जैसी वो बल्बर दिखाई देती है। ये दोनों जो स्ट्रक्चर है कॉर्निया और कंजंक्टिवा, ये दोनों ट्रांसपेरेंट होने के कारण हमें बिल्कुल भी दिखाई नहीं देते, और ये एक पतली सी मेम्ब्रेन या झिल्ली बनाकर इसको कवर करके रखते हैं। सबसे बड़ा काम क्या होता है कंजंक्टिवा का, ये सिक्रीशन करती है, तो सिक्रीशन करने के कारण ये हमारी आंख को लुब्रिकेटेड रखती है। साथ में इसमें जैसा हम देखते हैं बहुत सारी बहुत रिच ब्लड सप्लाई है। आगे जब हम चलेंगे तो अब हमारे हम सफेद वाले पोर्शन के बारे में बात करेंगे। नाउ द व्हाइट पोर्शन विच यू ऑल सी इज ऑफ कोर्स द स्क्लेरा। नाउ द स्क्लेरा इज द टफेस्ट पार्ट ऑफ आवर आई, इट मेंटेन्स द स्ट्रक्चर ऑफ द आई, एंड व्हाट यू विल सी इज दैट it is made up of fibrous tissue which gives toughness to the eye. So it protects our eye from any kind of any damage. Suppose we are hit by anything or we tend to fall somewhere, so the amount of pressure which is taken on the eye, it is all taken up by the sclera, which maintains the structure of our eye and also prevents it from any kind of damage. So the white portion which we see in our eye is only sclera. So what I was trying to emphasize on this white, the white, there is a black portion and there is a white portion. The black portion is known as the iris and the white portion is known as the sclera. The black portion is covered by a membrane which is transparent, and that black portion which is covered by a membrane is known as cornea. Whereas the white portion which is covered by a membrane is known as conjunctiva. So now we have a clear cut outside, like they are both like darban. ये एक तरह से हमार को पहरेदार की तरह ये दो membrane आँख के अंदर कुछ भी नहीं जाने देती। देखिए क्योंकि black portion को cover करती हैं तो वहां पर कॉर्निया है, वो कॉर्निया एक हल्का सा उभार लेके है, ये हम साइड में जब भी खड़े होते हैं तो हमें दिखाई दे सकता है। और जो व्हाइट पोर्शन है उसके ऊपर भी एक मेम्ब्रेन है जिसको हम कंजंक्टिवा कहते हैं। नाउ द कॉर्निया एंड द कंजंक्टिवा दे बोथ आर प्रोटेक्टिंग आवर आई फ्रॉम एनी काइंड ऑफ आउटसाइड इन्वेजन। अब जो कॉर्निया कंजंक्टिवा है वो हल्की सी व्हाइट पोर्शन के ऊपर तो है ही है, साथ में हमारे लिड पे भी, मतलब ऊपर और नीचे के अपर और लोअर आईलिड की अंदर की जो सतह होती है उसको बनाता है। द इनर मोस्ट लेयर ऑफ आवर आईलिड्स is made up of conjunctiva. तो conjunctiva का जो white portion है उसको हम bulbar कहते हैं, और जो हमारे lids के ऊपर होता है उसको हम palpebral बोलते हैं। यहाँ तक हमारे पास clear है, तो आगे हम बढ़ेंगे और हम देखते हैं कि जो हमारा जो black portion है आँख का, वो हमारे को जहाँ अब हमारे पास cornea, sclera, conjunctiva, ये हमारे first layer के अंदर आ जाते हैं, और ये हमारे एक सबसे बाहरी सतह जो लेयर और लेयर होती है आंख की वो बनाते हैं। नेक्स्ट जो हमको स्ट्रक्चर दिखता है वो उसको हम आयरिस बोलते हैं, और ये आयरिस एक कर्टन की तरह है। इसमें आप देखेंगे कि जैसे हमारा कर्टन झूलता रहता है तो एक उसमें नीचे से आने जाने की एक स्पेस बनी रहती है, तो उसी तरह ये आयरिस भी एक कर्टन की तरह झूल रहा है, पर कोई भी चीज इस तरह से झूल नहीं सकती, तो वो ऊपर की तरफ एक चीज से अटैच्ड है जिसको हम सिलेरी बॉडी कहते हैं, जो हमको दिखाई नहीं देती है, वो हम उसके बारे में बाद में बात करेंगे। पर जो ये आयरिस होता है ये कर्टन की तरह लटक रहा है, और इसके जो जो खाली एरिया है, जो नीचे का एरिया जहां से हम हमको हमें जो दिखाई देता है वो उस चीज को हम जो सेंटर प्यूपल के नाम से जानते हैं। तो द कर्टन इज लाइक अ फॉल विच इज फॉलिंग लाइक दिस एंड इट इज अटैच ऑन टू द टॉप बाय द सिलेरी बॉडी। आयरिस की एक खास बात है कि ये हमारी आंख को कलर देता है, जो ब्लैक ब्राउन अलग अलग कलर में पाया जाता है, और इसको ये कलर देने का एक पिगमेंट होता है जिसको हम मेलेनिन बोलते हैं। अब ये जो मेलेनिन है ये किसी में बहुत जिसमें ज्यादा होता है तो ये ब्लैक दिखाई देती है, जिसमें हल्का होता है तो ब्राउन दिखाई देती है, और बहुत ही कम होता है तो अंदर की जो आंख के अंदर की सतह है उसको उसका कलर ये रिफ्लेक्ट करती है, हमें ग्रीन ब्लू अलग तरह के आयरिस के कलर्स दिखाई देते हैं। आयरिस पे बहुत छोटी छोटी मसल्स से बना होता है, और आप देखेंगे इसमें दो तरह की मसल्स हैं आयरिस में, इनको हम स्फिंक्टर मसल और डायलेटर मसल के नाम से जानते हैं। जो स्फिंक्टर मसल्स होती हैं उसकी खास बात ये होती है कि ये जो इसका कोना होता है, जो आप पर्दे का बिल्कुल कोना है, सिलेरी बॉडी की तरफ नहीं, जो नीचे की तरफ जो कोना है समझ लीजिए,
वहां पर पाया जाता है, जिस तरह से ये आपको एक छोटा सा पर्स जैसा दिखाई दे रहा है. सो दे आर ऑल फाउंड ऑन टू द एंड ऑफ द आयरिस. और ये जब पुल होती हैं तो उसकी वजह से ये आयरिस कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है. और ऐसा जब हम देखते हैं तो क्या होता है कि ब्राइट लाइट जब हमारी आंख में पड़ती है तो ये वाली मसल्स वर्क करती हैं, और उसकी वजह से हमारी प्यूपल छोटा सा एकदम कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाता है, ये स्पेस जो होती है वो कम हो जाती है. और दूसरी जो होती है वो लंबेपन पे अटैच होती है, जिस तरह से हमको ये कर्टन में दिखाई दे रहा है. तब ये जब ऊपर खिंचेंगी तो हमारा प्यूपल डायलेट हो जाएगा, पुपल बड़ा दिखाई देगा, आयरिस छोटा हो जाएगा, और ये जो होता है ये हमको हरदम डिम लाइट में दिखाई देता है. तो ये आयरिस की खास बात है कि इसमें दो तरह के मसल्स हैं, स्फिंक्टर प्यूपली एंड डायलेटर प्यूपली. स्फिंक्टर प्यूपली इसके एंड पे होती हैं और डायलेटर प्यूपली लेंथ वाइज रन करती है, जैसे हमने देखा कि साइकिल के अंदर जो स्पोक्स होते हैं उस तरह से. तो डायलेटर प्यूपली जब कॉन्स्ट्रिक्ट करेंगी तो हमारा प्यूपल बढ़ जाएगा, डायलेट हो जाएगा, और स्फिंक्टर प्यूपली जब करेंगी तो हमारा प्यूपल छोटा हो जाएगा, क्योंकि वो सिर्फ कोने के ऊपर है. अब इसके बाद हम देखते हैं कि यही नहीं, आयरिस के अंदर एक और खास बात है कि आयरिस हमारी आंख को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देता है, आगे के पोर्शन को. एक तो पोर्शन होता है जहां पर आयरिस से लेके और लेंस तक की एक जगह है, जिसको हम पोस्टीरियर चेंबर कहते हैं, और ये वाला जो आगे का होता है इसको हम इंटीरियर चेंबर कहते हैं. तो आगे का जो स्ट्रक्चर होता है वो लेंस से लेके कॉर्निया तक, और पीछे का जो होता है वो आयरिस से लेके आयरिस के बाहर पीछे की सतह से लेके लेंस तक, ये हमारा इंटीरियर और पोस्टीरियर चेंबर कहलाता है, जिसको हम बाद में कभी जब ग्लॉकोमा पढ़ेंगे तब हमारे को ये बहुत जरूरी समझ में आना चाहिए. आयरिस की एक और खास बात है कि ये एक हमारी आंख को लाइट को रेगुलेट कर रहा है. जैसे आपने देखा कि जब ब्राइट लाइट होगी तो आयरिस उसको कॉन्स्ट्रिक्ट कर लेता है और कम लाइट आंख में जाने देता है. उसी तरह जब लाइट बहुत डिम हो जाती है तो हमारा आयरिस जो होता है ये इसको डायलेट करता है, डायलेटर प्यूपली की वजह से, और हमारे को ज्यादा रोशनी आंख के अंदर जाने का मौका देती है. तो आयरिस की खास बात है कि ये यही नहीं करती, साथ में ये एक तो हमारी आंख को कलर देता है, साथ में ये आंख का लाइट को रेगुलेट करने में बहुत सहायक होता है. अब आयरिस जिस चीज से लटका हुआ है उसको हम सिलेरी बॉडी कहते हैं, और ये जो सिलेरी बॉडी होती है ये भी छोटी छोटी मसल से बनी हुई है. ये आप ये समझ लीजिए जो कर्टन की रिंग्स होती हैं, एग्जैक्टली ये उसी तरह का होता है जिसको हम सिलेरी बॉडी के नाम से जानते हैं. सिलेरी बॉडी के साथ आयरिस अटैच्ड है, तो आगे के पोर्शन से आयरिस अटैच्ड है, और थोड़े से पीछे के पोर्शन से, हल्के से पीछे से सस्पेंसरी लिगामेंट अटैच्ड है, जो हमारे लेंस को अपनी जगह पर रखते हैं. ये सस्पेंसरी लिगामेंट कंट्रोल करते हैं लेंस के घटने और बढ़ने को. तो आप देखेंगे कि सिलेरी बॉडी में तीन फंक्शंस में हरदम समझाती हूं कि इंपॉर्टेंट होते हैं. फर्स्ट इज दैट इट सपोर्ट्स द आयरिस. आयरिस का आगे के पोर्शन से इससे आयरिस अटैच्ड होती है. इसके हल्के से पीछे के पोर्शन से थोड़ा सा पीछे अगर जाए तो सस्पेंसरी लिगामेंट अटैच्ड होते हैं, और अगर हम थोड़ा सा और आगे थोड़ा सा आगे देखें तो इसके ये एक लिक्विड, एक द्रव जैसा होता है. कैन यू सी दिस हियर? यू सी दिस इज द सिलेरी बॉडी. द रेड पोर्शन इज द सिलेरी बॉडी, एंड फ्रॉम दिस यू कैन सी देयर आर फाइबर काइंड ऑफ स्ट्रक्चर्स व्हिच आर अटैच्ड टू व्हिच इज अटैच्ड द लेंस. नाउ व्हाट हैपेंस इज, नाउ दिस पार्ट इज द सिलेरी बॉडी. यू सी इन फ्रंट इज द व्हाट यू सी एज अ स्ट्रक्चर इज द आयरिस. And then behind are fiber-like structures, which are the suspensory ligament which attach to the lens. Now the ciliary body keeps on secreting a small liquid which is known as the aqueous humor, which we are going to talk about later. Now another thing which is, we find that the ciliary body to which is attached the lens which we saw just now. Now this lens is absolutely crystal clear. So now what happens is that when we now see the structure of the lens, yes, ma'am. Lens has been, ma'am, please continue, ma'am, because you have a lack of time. Okay. I understand. I am going to just do it fast. Now this lens is a convex, biconvex structure. That means dono taraf wo bahar hai iske, aur iske andar iska focusing power hamara ye bhi image ko focus karti hai, aur ye focus kis pe karegi? Retina pe. So iska function, basic function hai to focus the image onto the retina.
लेंस जैसा हमें पता है, इट इज नोन एज, इट्स वेरी क्रिस्टल क्लियर, सो इट इज मेड अप ऑफ प्रोटीन्स विच आर नोन एज अल्फा बीटा एंड गामा क्रिस्टलींस, और ये इस तरह से पैक्ड होते हैं कि लेंस की ट्रांसपेरेंसी को मेंटेन करके रखें। धीरे धीरे जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है, ये प्रोटीन्स क्वैगुलेट होते जाते हैं और उसकी वजह से लेंस के अंदर हल्का सा हम जब देखते हैं उसकी ट्रांसपेरेंसी जो कम हो जाती है, उसी को हम एक और दूसरे नाम से जानते हैं, एंड दैट इज नोन एज कैटरैक्ट। तो आप देखेंगे कि प्रोटीन, जैसे जब भी प्रोटीन गर्म होता है तो क्वैगुलेट होता है, उसी तरह लेंस भी, लेंस के अंदर जो पाए जाने वाले प्रोटीन है ओवर द एज दे स्टार्ट क्वैगुलेटिंग, और क्वैगुलेशन की वजह से ये सफेद जैसे हो जाते हैं और उसकी वजह से लेंस में अंदर हमें एक सफेद धब्बा जैसा दिखाई देता है और धीरे धीरे वो कैटरैक्ट बनने का शुरुआत हो जाती है। इसके साथ साथ लेंस की एक और एबिलिटी है कि ये थिक और थिन हो सकता है, और ये किससे होता है, ये सस्पेंसरी लिगामेंट के थ्रू होता है, विच इज कंट्रोल्ड बाय द कॉन्ट्रैक्ट्स एंड रिलैक्सेस close object very near, when it is very near to you the lens will become thick, and you should always relate to this that when you use a hand lens, that is a thick kind of a structure, the lens is very thick, so always remember that when you are looking at a object very near to your eye, you will all the lens becomes thick. When you are looking at an object which is very far from your eye, the lens becomes thin. Now this ability of the lens of thickening and thinning to view the near and the far objects is known as the power of accommodation. So this is something very interesting, and that you should all be remembering that from far off, when the object is far off, the lens is thick. The lens thins. When it is nearby, it thickens. So this is the ability of the eye, and this helps in of seeing far and near objects, which we call as power of accommodation. The next thing which I related to you, and I said that I'm going to come back to this, and this is known as the aqueous humor, which is produced by the ciliary body. The front part of the eye is filled with this liquid, and this liquid is absolutely transparent. अभी तक आपने नोटिस किया होगा कि आगे की जो भी आंख में जो हमें भारी चीजें हैं, बाहर में जो दिखाई देती हैं, वो सब कुछ ट्रांसपेरेंट है। कॉर्निया हमारी ट्रांसपेरेंट है, कंजंक्टिवा ट्रांसपेरेंट है, उसके बाद हमारा जो हमारे प्यूपल है वो बिल्कुल एक अपर्चर है जिसमें से कुछ चीज नहीं है, वो भी ट्रांसपेरेंट है, और उसके बाद जो स्ट्रक्चर आता है वो है लेंस, वो भी ट्रांसपेरेंट है। तो एज वी गो फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड यू विल सी कॉर्निया विच इज ट्रांसपेरेंट. Then you come inside, there is this liquid which is filled into the interior part of the aqueous humor. ये भी transparent है. उसके बाद हम pupil जाते हैं. Pupil एक space है, उसमें कुछ नहीं है. उसके बाद हम lens पे आते हैं, तो lens भी हमारा transparent है, जो crystalline है, absolute crystal clear है. तो अभी तक जो भी हमने यहाँ पे देखा कि light जब भी हमारे आँख के अंदर पड़ती है, तो पहले वो cornea के through जाएगी, which is plain and clear. Then it will pass through the aqueous humor, which is plain and clear. It passes through the pupil, which is absolutely clear, transparent. So, हम aqueous humor की बात कर रहे थे, तो ये जो produce होता है ciliary body, हमें produce. अब इसमें आपने देखा होगा ये, this is, I was almost going to come to this, and now this was the clear part. Now this, ये aqueous humor का सबसे बड़ी बात होती है कि ये nourishment produce करता है, क्योंकि हमने बात करी थी कि cornea के पास कोई blood vessels नहीं है. साथ में हमने ये भी बात करी थी कि लेंस के पास भी कोई ब्लड वेसल्स नहीं है, और ब्लड वेसल्स इसलिए नहीं पाई जाती क्योंकि कॉर्निया ये एक अवरुद्धि जैसे, मतलब दे आर लाइक अ काइंड ऑफ ऑब्स्टिकल, क्योंकि ब्लड ओपेक होने के कारण अगर उसमें ब्लड वेसल्स होंगी तो उसके थ्रू लाइट नहीं पास होगी, इसीलिए कॉर्निया को एब्सोल्युटली क्रिस्टल क्लियर है. सिमिलरली लेंस भी क्रिस्टल क्लियर होता है, क्योंकि अगर इसमें कोई भी ब्लड वेसल्स पाई जाएंगी तो फिर वो एक अवरुद्ध, मतलब दे आर गोइंग टू बी एन ऑब्स्टिकल, और वो उसके थ्रू लाइट नहीं जा पाएगी. इसलिए लेंस और कॉर्निया को नरिशमेंट जो होता है वो सारा एक्वस ह्यूमर के थ्रू ही मिलता है, और थोड़ा बहुत कंजंक्टिवा के वजह से. इसके बाद ये जो सिलेरी बॉडी है ये आगे जो कंटिन्यू कर जाती है वो एक कोट में कंटिन्यू कर जाती है, मतलब एक लेयर में कंटिन्यू कर जाती है, जिसको हम कोरोइड कोट कहते हैं. और ये बिल्कुल स्क्लेरा से लगी हुई ये एक लेयर है, और इसको ये जो होती है इसमें ब्लड वेसल्स हैं और थोड़े कुछ फाइबर्स हैं. इसके अंदर भी मेलेनिन पाया जाता है, और ये मेलेनिन इसको हेल्प करता है टू क्रिएट अ ब्लैक एनवायरमेंट, जिससे अंदर बिल्कुल काला सतह बनी रहे, जिसकी वजह से जो भी लाइट अंदर आए आंख के अंदर वो
पूरी तरह से एब्जॉर्ब हो जाए और क्योंकि कोई भी लाइट हमारी रिफ्लेक्ट ना हो पाए। जो आखिरी लेयर हम जिस आंख की बात करते हैं वो हमारी होती है रेटिना, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर, और इसके अंदर फोटो रिसेप्टर्स पाए जाते हैं जिनको हम रॉड्स एंड कोन्स के नाम से जानते हैं। रॉड्स और कोन्स दोनों ही स्टिमुलेट होते हैं लाइट से, और इनके अंदर कुछ कुछ केमिकल रिएक्शन होते हैं जब लाइट इनके ऊपर गिरती है, और एक इसके अंदर एक पिगमेंट होता है, जो पिगमेंट होता है वो टूट जाता है, और उस पिगमेंट को टूटने की वजह से उसमें से नर्व इम्पल्सिस जनरेट होती हैं, और ये इम्पल्सिस फिर पतली पतली नर्व फाइबर्स के थ्रू हमारे ब्रेन तक पहुंचती हैं, और ब्रेन का जो लोब इसको इंटरप्रेट करता है उसको हम ऑक्सीपिटल लोब के नाम से जानते हैं। आप जहां से देखेंगे कि रॉड्स जो होती हैं वो बिल्कुल बल्ले के समान होती हैं, जैसे बैट होता है उसके जैसा होता है, और जो कोन्स होती हैं वो कोन की तरह होगी, तो कोनिकल होगी इन शेप, और दोनों के अंदर ये पिगमेंट पाए जाते हैं, और वो पिगमेंट जो होते हैं ये फोटो सेंसिटिव होते हैं, मतलब जब इनके ऊपर लाइट गिरती है तभी ये पिगमेंट टूटते हैं। रॉड्स अप्रोक्सीमेटली 120 मिलियन के आसपास हैं प्लस माइनस, और ये पेरिफेरल पार्ट में पाई जाती है, मतलब साइड में पाई जाएंगी, जहां पर हमारे पास मतलब ये जैसे हम आंख को देखें तो जो पीछे का पोर्शन होता है उसके अंदर कोन्स पाई जाती हैं, बाकी बाकी चारों तरफ पेरिफेरल में सब और चारों तरफ यहाँ पर हमारे को रॉड्स मिलती हैं। ये बहुत सेंसिटिव होती हैं लाइट्स के लाइट को देखे, और इसलिए ये हल्की रोशनी में भी एक्टिवेट हो जाती हैं। रॉड्स के अंदर एक पिगमेंट होता है रोडोप्सिन, और ये जो रोडोप्सिन होता है इसमें विटामिन ए के साथ मिलके ये बनता है रोडोप्सिन। तो आप ये देखेंगे कि जब भी हमारे को विटामिन ए डेफिशिएंसी होती है तो उसके अंदर हल्की रोशनी में देखने की क्षमता कम हो जाती है। दैट इज द रीजन बिकॉज द रॉड्स आर इफेक्टेड इन केसेस ऑफ विटामिन ए डेफिशिएंसी लीडिंग टू डिफिकल्टी इन सीइंग इन डिम लाइट, इसीलिए उस डिजीज को हम नाइट ब्लाइंडनेस के नाम से जानते हैं। कोन्स जो हमारी होती हैं वो 6 से 7 मिलियन के आसपास होती हैं, और आप देखेंगे कि कोन्स बिल्कुल पीछे के पोर्शन में द सेंटर एरिया ऑफ द आई, दैट इज द बैक सेंट्रल एरिया इज दिस इज इट इज मेड अप ऑफ दिस फुल्ली कवर्ड और मेड ऑफ कोन्स, और ये जो कोन्स होती हैं ये एक मैक्यूला जो हमारा एक रीजन है वहां पे ये सबसे ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड होती हैं। ये ब्राइट लाइट के अंदर स्टिमुलेट होती है, इसलिए हम इसके जो विजन को कहते हैं इसको फोटोपिक विजन कहते हैं। इसमें 3 तरह के कलर्स हम सेंसिटिविटी होती है, रेड ब्लू एंड ग्रीन, और इसलिए हम इसको हमको ट्राइकोमैटिस बोलते हैं, मीनिंग देयर बाय दैट वी कैन सी 3 कलर्स एंड दीज 3 कलर्स आर हेल्प्ड अस टू सी ऑल द काइंड ऑफ कलर्स। इसके जो पिगमेंट होता है इसको हम फोटोप्सिन के नाम से जानते हैं, और ग्रीन और रेड का कॉन्सेंट्रेशन सबसे ज्यादा सेंट्रल एरिया में पाया जाता है। इसी एरिया को जो सेंटर एरिया है उसको हम मैक्यूला के नाम से जानते हैं, और इसी के पास से ऑप्टिक नर्व निकलती है। ये मैक्यूला 5.5 मिलीमीटर डायमीटर का है। अब इसके जो मैक्यूला जो होता है उसमें एक सेंटर में एक एरिया होता है जिसको हम फोविया बोलते हैं, और ये दैट इज द पार्ट विच इज लोडेड विद कोन्स, एंड दैट इज द पार्ट विच वी डू ऑल आर लिटिल वर्क विच वी से लाइक डिटेल अप्रिशिएट जो हम करते हैं वो उसी से करते हैं। The last the structure which we are going to talk about is the jelly-like structure which is also transparent, जो lens के पीछे पाया जाता है, इसको हम vitreous कहते हैं, और retina के अंदर वाले portion में, तो ये पूरा हमारा एक jelly-like structure है, transparent है, वो इससे ये अंदर का portion हमारी आँख के अंदर ये भी पाया जाता है, और ये जो viscous होता है थोड़ा सा, ये 4 cc's का volume है, और mainly it is composed of water. अब हमने जब देखा कि जो हमारे रॉड्स एंड कोन्स हैं उससे एक नर्व एंडिंग निकलती है, और ये जो नर्व फाइबर्स होते हैं ये एक गैंग्लियन में, मतलब एक और सेल होता है जिसको हम बड़ा सा सेल बोलते हैं, उसमें जाके रिले करते हैं, और वहां से फिर इकट्ठे होके एक और नर्व एंडिंग निकलती है। तो दैट मीन्स क्योंकि इतने 120 मिलियन आप देखेंगे कि अगर नर्व एंडिंग निकलेंगी और उधर से 7 मिलियन रेड एंड रॉड्स एंड कोन्स की निकलेंगी, तो इतनी सारी नर्व एंडिंग्स बहुत मुश्किल हो जाएगा टू हैंडल, एंड इट विल बी रियली अ बिग काइंड ऑफ अ बहुत बड़ी हमारी ऑक्सीपिटल नर्व हो जाएगी। तो उसकी वजह से क्या होता है कि ये सारी नर्व एंडिंग्स जाके एक गैंग्लियन में, मतलब एक एक सेल जैसा स्ट्रक्चर होता है उसमें रिले करती है, वहां से फिर एक निकल के 10 यू मान लीजिए कि 15-20 एक साथ इकट्ठी होके एक सेल में जाएंगी और वहां से फिर ये आगे निकलेंगी तो एक निकलेगी। तो इस तरह से ऑप्टिक नर्व की ये कई सारी नर्व एंडिंग्स मिलके गैंग्लियन में रिले करती हैं और फिर वहां से ये ऑप्टिक नर्व आगे निकलती है। तो
तो कुछ पोर्शन ऑप्टिक नर्व का हमारे स्क्लेरा को भेदता हुआ निकलता है, उसके बाद थोड़ा सा ये हमारी जो कोन जैसा ऑर्बिट है उसके अंदर से निकलता है, फिर वहां से ये और निकल बाहर ऑर्बिट के बाहर से होता हुआ ये ब्रेन में पहुंचता है और फिर ये ऑक्सीपिटल लोब में पहुंच जाता है। तो यहाँ तक तो हमने एनाटमी और फिजियोलॉजी ऑफ द आई हमने कर ली है, आगे हम अब विजन डेवलपमेंट के बारे में। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच ऑन द बिहाफ ऑफ, थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच मैम। अब मैं डॉक्टर पंकज कुमार जी से रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज अपना प्रेजेंटेशन शुरू करें, और मैम प्लीज बी विद अस, अगर कोई क्वेरी होगी कुछ क्वेश्चन होंगे तो प्लीज आप उन्हें जवाब दे दीजिएगा। थैंक यू सो मच सर। सबसे पहले तो सबको प्रणाम और सबको अभिवादन आज के दिन का। एक इम्पॉर्टेंट बात है कि मैं अपने टीचर के सामने प्रेजेंट करने जा रहा हूँ, गीतिका माथुर मैडम से ही हमने पढ़ा है। तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं कि प्लीज कंटिन्यू एरर्स क्या होता है। तो हम लोग स्टार्ट करना चाह रहे हैं कि क्या है, मैं फिर से कह रहा हूँ कि हम लोग आज मैडम ने हम लोग को बताया है कि व्हाट इज विजन। तो सर ने मुझे बहुत कम समय में बहुत सारा चीज दिया करने के लिए, मैं कोशिश करता हूँ कि उन सभी एस्पेक्ट्स को आई शुड कवर दिस ऑल एस्पेक्ट्स। तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट की विजन क्या है, मैम ने बताया हम लोगों को अभी कि आई का स्ट्रक्चर है, और आई के स्ट्रक्चर को हम इसलिए ही पढ़ते हैं क्योंकि वी वांट टू नो हाउ वी आर एबल टू सी। तो विजन बेसिकली क्या है, तो विजन एक पावर ऑफ सीइंग है, एक आदमी देख पा रहा है, इस कारण से हम अपने विजन को, विजन एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। और इस विजन को पॉसिबल करने के लिए हमारे पास, अगर आप कहें तो मेन ऑर्गन कौन है जो हम जानते हैं, वो है हमारी आईज। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आईज ही है, क्योंकि अगर आप गौर से देखेंगे तो जितना आईज इंपॉर्टेंट नहीं है, उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी ब्रेन। क्योंकि अगर ब्रेन में कुल 12 क्रेनियल नर्व्स होते हैं, 12 क्रेनियल नर्व्स जो बेसिकली ब्रेन के मैसेजेस को कंडक्ट कोऑर्डिनेट करते हैं, उनमें से आउट ऑफ 12 4 क्रेनियल नर्व्स आर डेडिकेटेड फॉर विजन रिलेटेड इश्यूज। तो कहीं ना कहीं वो आईबॉल के मूवमेंट को या किसी ने किसी तरह से आईज और विजन को ही रेगुलेट कर रहे होते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्ट। सो आप इसे समझ सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है विजन। और विजन एक कहीं ना कहीं एक अगर डिस्टर्ब होती है, कुछ प्रॉब्लम आती है, तो एक बड़ा चैलेंज भी लेकर के आती है लाइफ। तो एक एस्पेक्ट है विजन का कि जो मुझे दिया गया है रिफ्रेक्शन एंड रिफ्रेक्टिव एरर्स। तो सबसे पहले कि अगर रिफ्रेक्टिव एरर्स के बारे में हम बात करें, तो उससे पहले जानना चाहिए हमें, वी हैव टू नो व्हाट इज रिफ्रेक्शन। तो रिफ्रेक्शन है क्या बेसिकली, अगर आंख के संदर्भ में देखेंगे, पहले हम बाद में बात करते हैं इन जनरल रिफ्रेक्शन की। तो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट रिफ्रेक्शन इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ आवर विजन, तो आप कहीं जाते हैं, शहर में जाते हैं, आप एक मसूरी घूमने गए या शिमला घूमने गए या कुल्लू मनाली घूमने गए, तो आप अपनी छोटी सी आंख से पूरे उस नजारे को देख रहे होते हैं। आप मुंबई में कहीं खड़े हैं तो आप एक बड़े से बिल्डिंग को जो 20 मंजिला हो कि 30 मंजिला हो, आप अपने नन्हे आंखों से देख पाते। एक इंपॉर्टेंट, दिस इज ए इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, वी आर एबल टू सी वेरी लार्ज बिल्डिंग, ए माउंटेन एंड एनीथिंग एल्स व्हिच इज वेरी लार्जर इन साइज एंड विद आवर, सो वी आर एबल टू सी वेरी लार्ज थिंग्स विद आवर स्मॉल आईज। ये हो कैसे पाता है, इतनी बड़ी बड़ी चीजों को हम छोटी नन्ही नन्ही आंखों से हम देख कैसे पाते। अगर इसको अगर जानना होगा तो हमें, आप कभी महसूस करते हैं हम देख क्यों पाते, देख पाने के लिए मैडम शायद बताने चाह रही थी लेकिन वो टाइम के कारण हुआ। मैं सिंपली एक बात बताऊं कि देख पाने में एक सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है लाइट का। यदि अगर लाइट ना हो तो हम देख पाएंगे क्या, नहीं देख पाएंगे। ये जो फिनोमेना है, अगर हम एक्सटर्नल सोर्स के रूप में देखें कि देख पाना, अगर हम इंटरनल एस्पेक्ट देखें तो हमारे ब्रेन और आईज रिस्पॉन्सिबल है। अगर एक्सटर्नल सोर्स के बारे में बात करें तो लाइट इज रिस्पॉन्सिबल। अगर सब कुछ अंधेरा हो जाए तो हम कुछ नहीं देख पाएंगे। सो अगर आप देखें तो ये लाइट और आईज और हमारा जो ब्रेन है, इनके बीच का एक कनेक्शन। हम देख उन्हीं चीजों को पाते हैं जहां से लाइट सोर्स हो और वहां से प्रकाश की किरणें हमारे आंखों पे आ सके, और आंखों में एक बड़ा संसार हम देख पाते हैं, तो वो उसका रीजन होता है रिफ्रैक्शन, दैट इज रिफ्रैक्शन। मैं फिर बोल रहा हूं रिफ्रैक्शन, इसे हम हिंदी में अपवर्तन भी कहते हैं। अपवर्तन यानी कि ये प्रॉपर्टी है लाइट का,
एक सिंपल प्रॉपर्टी, इज अ सिंपल प्रॉपर्टी ऑफ लाइट, इज अ रिफ्रेक्शन, इज अ फेनोमेना ऑफ लाइट, और यू कैन से दिस इज वन ऑफ द की प्रिंसिपल ऑफ लाइट. जब कोई भी लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो वो अपना रास्ता बदल देती है. आप कभी एक, एक मैंने यहाँ पिक्चर भी शो किया है आपको, जो नहीं देख भी पा रहे तब भी सुने कि अगर आप एक पेंसिल को ग्लास में डुबा दें और देखें, या पेन को डुबा दें, आप देखें कि पेंसिल टेढ़ी नजर आए. पेंसिल तो टेढ़ी नहीं हुई, पेन टेढ़ा नहीं हुआ, इट्स नॉट मतलब वो टेढ़ा नहीं हो रहा है, लेकिन आपको अपीयर हो रहा है, यू आर एबल टू सी इन अ वेरी डिफरेंट मैनर. आपको वो लग रहा है कि नहीं वो पेंसिल है ही नहीं, टेढ़ी सी है. आप स्विमिंग पूल में उतरते हैं तो आप देखते हैं कि आपके पैर भी थोड़े लगते हैं कि टेढ़े मेरे हो गए, ऐसा कुछ लगता है ऐसा, जो नहीं होता है. एक्चुअली ये होता इसीलिए है क्योंकि रिफ्रेक्शन ऑफ लाइट है. यदि व्हेन लाइट रेज पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, और मैं जब यहाँ कह रहा हूँ एक माध्यम से दूसरे माध्यम, तो मेरा कहने का तात्पर्य, मेरा कंसर्न उस चीज से है कि जब एक मीडियम डेंस हो और दूसरा मीडियम रेयर हो, या फिर दूसरा पहला मीडियम रेयर हो दूसरा मीडियम डेंस हो, कैसा भी, अगर एक रेयर मीडियम से डेंस मीडियम में या डेंस मीडियम से रेयर मीडियम में जब लाइट रेज मूव करती है, मान लीजिए कि शीशे से हवा में, हवा से पानी में, अंतरिक्ष में भी आपको पता होगा कि जो डेंसिटी है या जो इंडेक्स है हर लेयर का वो अलग अलग है. ओजोन लेयर का अलग हो सकता है, हमारे पास का जो इन्वायरमेंट है उसमें अलग हो सकता है. तो ये अलग अलग जो लेयर्स हैं, ये सभी में जब प्रकाश की किरण गुजरती है तो जैसे वो अगले में जाती है जहां उसकी डेंसिटी बदलती है, हम डेंसिटी में कह रहा हूं आपको समझने के लिए, बेसिकली ये डेंसिटी नहीं होता है, ये होता है रिफ्रेक्टिव इंडेक्स. सामान्यतः इन जनरल जो चीज ज्यादा डेंस है तो वहां रिफ्रेक्टिव इंडेक्स उसका अलग होगा, जो कम डेंस है उसका अलग होगा. सो अगर आप ये फील कर, ये आप जाने कि अगर एक रिफ्रेक्टिव इंडेक्स से दूसरे रिफ्रेक्टिव इंडेक्स में अगर चेंज हो रहा है तो लाइट रेज थोड़ी सी मुड़ जाएगी. एक चित्र यहाँ प्रस्तुत है जिसको आप देख पा रहे होंगे, आप देख सकते हैं कि इंसिडेंट रे का एक बना हुआ है कि रे आ रही है और वो क्या हो गई, जो लाइन देखिए तो वो लाइन घूम करके वो थोड़ी सी मुड़ गई. ये मुड़ने का प्रिंसिपल आपने शायद 10th 9th में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो उसको फिर से थोड़ा सा देख लें. मैं सिर्फ यहां इतना ही कहूंगा कि लाइट रेज बेंड कर जाती है, मतलब मुड़ जाती है. और इस चीज को आप आसानी से देखेंगे तो ये कहीं कहीं ग्रेजुअली चेंज होता है. इन सब चीजों को आप एग्जांपल जो मैंने आपको पेंसिल का दिखाया या तारे टिमटिमाते हैं आपने पढ़ा होगा बचपन में. ये क्या हो रहा है कि जो रिफ्रेक्शन की बात कर रहा था कि व्हेन एक लाइट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, इट चेंजेस इट्स पाथ, वो रास्ता बदल देती है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है. तो अब मैं बात कर रहा हूं कि दो लेंस की बात, आप परिकल्पना करें कि दो लेंस आपके पास है. देखा होगा बचपन में आप कागजों के साथ खेलते थे, जो मैग्नीफायर्स होते हैं वो भी एक तरह का लेंस होते हैं. तो दो तरह के लेंस होते हैं. एक लेंस क्या करती है कि प्रकाश के किरणों को बिखेर देती है, मतलब स्प्रेड कर देती है, डाइवर्ज कर देती है. सो इस तरह के लेंस को डाइवर्जिंग लेंस भी कहते हैं. जैसे ये हमारा सामने एक दिख रहा है जिसको हम हिंदी में अवतल लेंस कहते हैं. ये दीज आर स्प्रेडिंग द लाइट्स, वो स्प्रेड कर दे रहा है, यानी कि जहां वो जाने वाली थी उससे और दूर चली जाए. और दूसरा जो टाइप है लेंस का, दैट इज नोन एज कॉन्वेक्स लेंस, और इसे कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं. दे आर कन्वर्जिंग द लाइट रेज, जो प्रकाश की किरणें हमारे सामने से आ रही हैं, जो भी आ रही है उसको कन्वर्ज कर देता है. मैं सिर्फ यही बताना चाह रहा हूं, इस तस्वीर को देखिए और समझने का प्रयास कीजिए. जो हमारे आंखें भी हैं वो लगभग इसी तरह से कॉन्वेक्स लेंस के रूप में हमारे बीच होती है, मोर और लेस. उसमें और कॉम्प्लिकेशन थोड़ी सी है, लेकिन फिर भी मोर और लेस आप इसे सामान्य रूप से समझना चाहें तो हमारे कॉन्वेक्स लेंस के रूप में है, एक कॉन्वेक्स स्ट्रक्चर है, जिसके कारण क्या होता है कि हम बहुत बड़े सोर्स से जो लाइट की रेज है वो हमारे आंखों पर फोकस कर पाते और जितने दूर तक की प्रकाश की किरणें को फोकस कर पाती है उतने ही दूर तक की चीजों को हम देख पाते हैं. क्लैरिटी वैलिटी की बात हम बाद में करेंगे. तो इसका मतलब ये जो रिफ्रेक्शन ऑफ लेंस है, ये दो तरह के लेंस होते हैं, दिमाग में रखें. एक को कहते हैं कन्वर्जिंग लेंस, दैट इज कॉन्वेक्स लेंस, प्रकाश की किरणों को समेट देती है, दे आर कन्वर्जिंग द लाइट रेज. अनदर टाइप इज प्रीवियस वन, दैट डाइवर्जिंग लेंस,
इसको कॉन्केव लेंस भी कहते हैं। कॉन्केव लेंस ये क्या करती है, बेसिकली डाइवर्ज कर देती है प्रकाश की किरणों। तो ये दो लेंस है हमारे पास, और हम देखते कैसे हैं, जो मैडम आगे कभी और बेकार बताएंगी, मैं बहुत सिंपली एक चीज को रख रहा हूँ कि हम देख पाते हैं। एक इमेज आपके सामने है, मान लीजिए एक लड़की की तस्वीर है, मतलब वो एक लड़की खड़ी है और कोई व्यक्ति देख पा रहा है उसे, तो वो जो देख पाता है तो उसके पूरे को वो देख पा रहा है, तो वहां से लाइट की रेज हमारी आंखों पर आती है और रेटिना पे चित्र बनाती है। रेटिना पर जो चित्र बनाती है, देन वी आर एबल टू सी द थिंग्स, और उसके बाद वो इमेज ब्रेन में जाता है, ब्रेन में प्रोसेस होता है, तब हम देख पाते हैं। फिर से समझिए, प्रकाश की किरणें जिस वस्तु से, मान लीजिए कोई वस्तु है, कोई व्यक्ति है, मैं उसे देखता हूं, वहां से प्रकाश की किरणें समेट करके हमारे पास आती हैं, फोकस करती हैं कहां, रेटिना पर, और रेटिना से वो जाती है इमेज ब्रेन में प्रोसेस होती है, और इन्हीं चीज को फैसिलिटेट करने के, टू फैसिलिटेट दीज थिंग्स, जो पूरे आई का स्ट्रक्चर आप देखते हैं, दे ऑल आर डिपेंडेंट ऑन ईच एंड अदर टू जस्ट फैसिलिटेट दीज थिंग्स, टू फैसिलिटेट द फॉर्मेशन ऑफ इमेज एट रेटिना एंड टू ट्रांसमिट दिस इमेज टू ब्रेन, एंड ब्रेन इज एनालाइजिंग दीज इमेजेस, एंड फाइनली वी आर एबल टू सी द थिंग्स इन ए गुड और बैड मैनर, जो भी, वो तो विजन की क्वालिटी पर डिपेंड करेगा। सो इमेज फॉर्मेशन एक प्रोसेस है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज हम सिर्फ बात करेंगे ई और इमेज फॉर्मेशन में। मैम ने आपको बताया कि लेंस भी होता है, कॉर्निया भी होता है, तो जो सबसे बड़ा रिफ्रेक्शन हमारे आंखों का होता है वो दो करते हैं, याद रखेंगे इसे, टू पार्ट ऑफ आवर आईज आर मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर रिफ्रेक्शन, यानी कि प्रकाश की किरण को जो हम समेट पाते हैं, हम बड़े संसार को देख पाते हैं, बड़े बड़े वस्तुओं को देख पाते हैं, बड़ी बिल्डिंग को देख पाते हैं, तो द थिंग्स बिहाइंड दिस फिनोमेना इज कॉर्निया एंड लेंस। लेंस और कॉर्निया है वो दोनों प्रकाश की किरणों को समेटती हैं और ऐसा करती है कि पॉइंट साइज में, मतलब बहुत बिंदु के आकार में इमेज बन जाता है रेटिना पर। और ये भी ध्यान रखेंगे, वो जो चित्र बनती है वो उल्टा होता है, दैट इज इनवर्स इन साइज। और एक फिजिक्स में छोटा मोटा नियम सबने पढ़ा होगा, इतना तो सब पढ़े हैं, टेंथ तक साइंस पढ़े ही हैं, तो उसमें आप पढ़ते हो कि रियल इमेजेस हमेशा इनवर्स होते हैं, वो उल्टा ही होते हैं। तो रियल इमेज बनता है और वो उल्टा बनता है, ब्रेन उसे एनालाइज करके सीधा कर देता है, यानी कि हम अपनी आंखों में तो उल्टा देखते हैं और वो फिर सीधा कौन करता है, ब्रेन करता है। इस चित्र को बिल्कुल रखें याद, मैं फिर से इस चित्र को दूसरे माध्यम से दिखा रहा हूं कि एक मोमबत्ती जल रही है, हम उसे देख रहे हैं, वहां से प्रकाश की किरणें कहां गई, कॉर्निया पे, कॉर्निया से थोड़ा सिमटी, फिर आई वो पास की आयरिस के पास, जो मैम ने दिखाया था कि एक छिद्र होता है, प्यूपिल से गुजरी, फिर लेंस से गुजरी प्रकाश की किरणें, आयरिस एक काम करता है कि जो अनवांटेड रेज लाइट है उसको छांट देता है, मतलब उसको नहीं आने देता है आईज में, तो फिर पॉइंट साइज में आकर के तस्वीर बन जाती है, इमेज बन जाती है रेटिना। ये बहुत जरूरी है, यानी कि हमारे इमेज की क्वालिटी क्या हो रही है, तीन बातें मैं कह रहा हूं याद रखेंगे कि हमारे इमेज का बनने का एक तीन रेटिना पे क्वालिटी ये है, इमेज का, इमेज की बात सिर्फ कर रहा हूं अभी, जो आईज में बनती है कि रेटिना पर फोकस होना चाहिए, मतलब ऐसा बनना चाहिए कि फोकस पॉइंट, यानी कि जो मर्जर होता है, प्रकाश के किरणों का मिलन होता है, केंद्र बनता है, वह रेटिना पे बनना चाहिए। दूसरा कि इमेज हमेशा पॉइंट साइज का बनना चाहिए, और तीसरा कि इमेज क्या होता है, वो बनना चाहिए, मतलब बनता ही है, और इनवर्स यानी रियल इमेज होते हैं इमेज उल्टे बनते हैं। अगर इस प्रॉपर्टी को लेकर के हम एक और तस्वीर आपके सामने मैंने रखी है कि आप इसे देखें और समझें, चूंकि ज्यादा क्लैरिटी के साथ होगी आपके सामने, तो आप इसे देख करके समझ सकते हैं। सेम बात जो मैं कहना चाह रहा हूं कि कोई भी वस्तु हम देखते हैं उसकी उल्टी तस्वीर हमारे रेटिना पे बनती है, उस तस्वीर की प्रकृति होती है कि वो पॉइंट आकार का होता है और उल्टा होता है। अब हम लोग बात करते हैं रिफ्रेक्टिव एरर्स की, यानी कि अभी तक जो हमने बात किया कि हमारे आंखों के रेटिना पर एक प्रतिबिंब बना, इमेज फॉर्मेशन एट रेटिना हुआ, दैट वॉज ड्यू टू रिफ्रेक्शन प्रोसेस, एक रिफ्रेक्शन की क्रिया हुई और एक फोकस पॉइंट बना। देखिए आपको प्रेजेंटेशन में मैं यही बताया था कि इमेज बनती है, दैट इमेज फॉर्म दैट रेटिना इज यूजुअली इनवर्स, यूजुअली नो, ऑलवेज इनवर्स इन नेचर, रियल इन नेचर, पॉइंट साइज एंड ऑलवेज फोकस कहां होगा,
रेटिना पर होगा, और सबसे अच्छा फोकस होता है रेटिना के मैक्यूला पे, जिसे हम इसलिए मैक्यूला को हम बांधते हैं कि जो वहां बनता है इमेज वो बहुत शार्प बनता है। सो अब ये जो प्रोसेस पूरा मैंने बताया अभी, जो आपको मैंने मैं बोल भी रहा था भले प्रेजेंटेशन हट गया हो, कि ये जो प्रोसेस है ये दिस इज द रिफ्रेक्शन, एक्चुअली रिफ्रेक्शन के कारण हो पाता है, इसीलिए हम चीजों को अच्छे से मतलब देख पाते हैं या रेटिना पे इमेज बन पा रहा है। अगर ये प्रोसेस सफल नहीं हो पाया तो, अगर ये रिफ्लेक्शन की क्रिया सफल नहीं हो पाई तो समस्या जो आएगी वह कहलाएगी रिफ्रेक्टिव एरर्स, बिकॉज जो एरर है, और ये रोग नहीं है, ध्यान रखेंगे हम इन्हें रोग के रूप में कम लेते हैं, वी डोंट से दिस थिंग एज ए डिजीज, ये एरर्स हैं। मतलब जो लेंस है, आप फिर से समझिए, किसी वस्तु से प्रकाश की किरणें आएंगी, कॉर्निया उसे समेटेगा, कॉर्निया तो सबसे बाहर का लेयर है आपका ट्रांसपेरेंट, जो बाहर काला सा दिखता है होता है ट्रांसपेरेंट, वहां से सिमटेंगी, फिर वो आयरिस के बीच में एक छिद्र होता है जो प्यूपिल बनता है, प्यूपिल से क्रॉस करते हुए लेंस को गुजरेगी और लेंस से क्रॉस करके रेटिना पर चित्र बना देगी। और ये चित्र बनाने की प्रक्रिया अगर कहीं बाधित हुई तो दैट जो एक इस कारण से कोई एरर आ गया, कोई प्रॉब्लम आ गई, तो उसे हम रिफ्रेक्टिव एरर्स कहते हैं। वो कितने तरह के होते हैं वो अभी हम लोग बात करते हैं। उसमें सबसे पहला जो कंडीशन है दैट इज नोन एज मायोपिया। मायोपिया मींस कि यदि जो मैंने बोला कि कहां फोकस करेंगी, रेटिना पर फोकस करेंगी, इफ जो फोकस पॉइंट इज बिफोर द रेटिना, यानी रेटिना से पहले ही फोकस बिंदु बन जाए, तो इस कंडीशन को हम लोग मायोपिया कहते हैं। ऐसे लोग जो होंगे वो नजदीक की चीज को तो देख पाएंगे लेकिन दूर की चीज को नहीं, देखने में थोड़ा वो धुंधला दिख सकती है। इसको करेक्ट अगर करना हो, जैसे मान लीजिए मैं फिर से कर रहा हूं कि देखिए उस चित्र पहले बन, फोकस पॉइंट पहले बन जाएगा, आप इस चित्र में देख पा रहे हैं, ऊपर वाले चित्र में दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा हो तब भी समझे कि रेटिना से पहले ही मिलान बिंदु हो जाता है, यानी कि प्रकाश की किरणें वहीं मिल जाती है। आज मिलना कहां चाहिए था, मिलना चाहिए था रेटिना पर। अब हमें करना क्या होगा, इस मिलान बिंदु को रेटिना पर करना होगा, यानी कि दूर करना होगा, प्रकाश की किरणें जो पहले मिल रही है उसे दूर करना होगा। तो आप याद करेंगे जो मैंने बताया था, लेंस दो तरह के होते हैं, एक समेट देता है प्रकाश की किरणों को, एक थोड़ा स्प्रेड कर देता है। यहां कौन सी जरूरत होगी, आप गौर से सोचें तो यहां जरूरत होगी कॉनकेव लेंस की, क्योंकि वो प्रकाश की किरणों को थोड़ा स्प्रेड कर देगा, यानी जो यहां मिल रहे थे थोड़ा आगे जाकर के मिलेंगे। और इसीलिए जो मायोपिया वाले बच्चों में ज्यादातर मायोपिया होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि बच्चे जब ग्रो कर रहे होते हैं तो उनके आईबॉल का साइज बड़ा हो जाता है, तो प्रकाश की किरणें कहां, रेटिना से थोड़ा पहले मिल जाती है। और इस चीज को दूर किया जा सकता है जो कॉनकेव लेंस के सॉल्यूशन से, आप एप्रोप्रिएट एक कॉनकेव लेंस लगाना होगा और वो बच्चे या जो भी व्यक्ति प्रभावित है उनका एक करेक्शन हो सकता है। तो इसे हम रोग नहीं लेते, इसे हम करेक्शन के रूप में मानते हैं। उसका सॉल्यूशन मैंने लिखा ना, करेक्शन इज बेटर वर्ड, तो करेक्शन उसका रिफ्रेक्टिव करेक्शन करेंगे, जो एप्रोप्रिएट लेंस होगा हम उन्हें देंगे। मैं समझता हूं ये क्लियर होगा, नहीं तो हम लोग लास्ट में फिर बात कर लेंगे कुछ। दूसरा है हाइपरोपिया, इसे फार साइटेडनेस भी कहते हैं। याद रखेंगे हिंदी में ना बड़ा उल्टा नाम होता है, जो पिछला था मायोपिया उसका इंग्लिश नाम है नियर साइटेडनेस, लेकिन हिंदी बनाने वाले ने थोड़ा नाम उलट कर दिया। नियर साइटेडनेस का मतलब होता है नियर की मतलब नजदीक के वस्तुओं को देख पाने की क्षमता, नेस लेस नहीं है, नेस है। ठीक इसी तरह से हाइपरोपिया क्या है, फार साइटेडनेस, यानी क्या, दूर की वस्तु को स्पष्ट रूप से देख पाने में क्षमता है उसे, अब नजदीक की नहीं देख पाएगा। लेकिन इसका हिंदी जब नाम किया गया तो इसको कर दिया गया दूर दृष्टि दोष, जबकि दूर की दृष्टि दोष नहीं हो रही है, दूर वाला स्पष्ट दिखेगा और नजदीक वाला चीज में देखने में कठिनाई हो सकती है। जब ऐसी स्थिति होती है तो ऐसा क्यों हो पाता है, क्योंकि जो रेटिना पर बनना चाहिए था मिलान बिंदु, फोकस पॉइंट शुड बी एट रेटिना, नाउ इट्स नॉट एट रेटिना, इंस्टेड क्या हो रहा है, फोकस बिंदु आभासी कहां बन रहा है, आफ्टर रेटिना, मतलब रेटिना को क्रॉस करके अगर मिलना होगा तो रेटिना को क्रॉस करके मिलेगा। अब हमें क्या करना होगा, इस प्रकाश की किरणों को समेटना होगा। हाउ वी कैन कन्वर्ज दीज थिंग्स, वी कैन कन्वर्ज विथ कन्वर्जिंग लेंस, एंड हु मतलब कन्वर्जिंग लेंस कौन है, कन्वर्जिंग लेंस इज कॉन्वेक्स लेंस। सो बहुत सिंपल आंसर है,
कि और ये बड़ा आसान सा एक इसका समाधान भी है कि आप एप्रोप्रिएट कॉन्केव लेंस लेते हैं तो वो समाधान हो जाता है। ये मैं जो बता रहा हूँ ये प्रिंसिपली बता रहा हूँ, इट शुड बी डन वेरी इन ए वेरी एप्रोप्रिएट मैनर एंड विथ सम मेडिकल प्रोफेशनल, जो ऑप्टोमेट्रिस्ट ऑप्थेमोलॉजिस्ट है उनकी निगरानी में इन चीजों को किया जाना अपेक्षित है। ये सिर्फ हम यहाँ इस बात को इसलिए जान पा रहे हैं सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज द रीजन, वी कैन बेटर सपोर्ट द पर्सन्स विद विजुअल डिसेबिलिटीज व्हेन वी आर इन द क्लासरूम, और हमारे क्लासरूम में कोई ऐसा बच्चा आता है। नेक्स्ट इज प्रेस बायोपिया, जो एक सवाल भी बीच में आया था तो इसलिए मैंने कहा था कि शायद मैं बोलूं, आई एम नॉट एक्चुअली कोई, मैं ऑप्थेलमोलॉजिस्ट नहीं हूं, एक स्पेशल एजुकेटर हूं, सो आई एम नॉट लुकिंग दिस थिंग्स इन मेडिकल पर्सपेक्टिव और क्लिनिकल पर्सपेक्टिव। बस प्रेस बायोपिया एक कंडीशन सिमिलरली टू जो हाइपरओपिया है उसकी तरह, यानी कि प्रकाश की किरणें को जो आप दूर कहते हैं कि फोकस कर पाते हैं, नजदीक फोकस नहीं कर पाते, लेकिन कंडीशन बिल्कुल अलग है। फिर से मैं कह रहा हूं कंडीशन बिल्कुल अलग है। प्रेस बायोपिया एक कंडीशन है जब आपके लेंस का लचीलापन खो जाता है। फिर से मैं बोल रहा हूं, प्रेस बायोपिया एक ऐसी कंडीशन है जब लेंस अपना लचीलापन खो देता है। यूजुअली आप फील करें जो फीलिंग आप जाने कि हमारा लेंस है वो क्रिस्टलिन नाम के प्रोटीन से बना होता है, उसमें चेंजेस आते हैं, रिजिडिटी आ जाती है कुछ दिनों बाद, तो वो क्या होता है लेंस लचीला नहीं रह पाता है। यूजुअली हमारा लेंस लचीला होता है और वो ऑटो एडजस्ट करता है, जैसे नहीं आप कैमरा में देखते हैं कि ऑटो एडजस्ट कर जाता है, वो आगे पीछे होता है लेंस उसका ऑटोमेटिकली। हमारे लेंस भी अपने हिसाब से मोटा और पतला हो सकता है, और यह जब प्रॉपर्टी छिन हो जाती है, और इस बात को याद रखें कि मोटा होना किसके लिए पड़ेगा, जब नजदीक की चीज को देख रहे होंगे तो नजदीक की चीज को देखने के लिए लेंस को मोटा होना पड़ता है, सीलियरी मसल्स को उसको लेंस को प्रेस करना होता है, तो ये जब एक्टिविटी नहीं हो पाती, ये कब नहीं हो पाती, यूजुअली जब 40 साल से कोई व्यक्ति ऊपर का हो जाता है तो लेंस अपनी इस प्रॉपर्टी को खो देता है। अब इस प्रॉपर्टी को खोने के कारण आप उसको इंप्रूव करते, कभी भी नेचुरल लेंस की जगह दूसरा लेंस तो ले ही नहीं सकता है। वो आंसर जो था मेरी जो जहां तक जानकारी है मैं बताना चाहूं कि हम इसको अभी के मेडिकल के जो कंडीशंस है उसमें प्रेस बायोपिया को सर्जिकली ठीक करने की कोई व्यवस्था मेरी जानकारी में नहीं है, और आप इसको ये कंडीशन है जहां जो अधिक उम्र वाले हैं 40 साल से ऊपर वाले उम्र वाले लोग हैं उनको यूजुअली होता है, और कारण यही है कि लेंस जो है लचीलापन अपना खो देता है, दैट इज द प्रेस बायोपिया। इसका समाधान भी यही है कि आप जो कन्वर्जिंग लेंस है उसका उपयोग करते हैं। एक और है एस्टिग्मेटिज्म, मैंने आपसे अभी थोड़ी देर पहले बात की थी तो ये बात ये चली थी कि पॉइंट आकार का बनना चाहिए, कैसा बनना चाहिए, पॉइंट आकार का इमेज रेटिना पर बनना चाहिए। यदि ये पॉइंट आकार का नहीं बने, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा बन जाए इमेज, तो हमें टेढ़ा मेढ़ा दिखेगा या उस तरह का कुछ थोड़ा हल्का तिरछा या इस तरह से टेढ़ा दिख सकता है। ये एस्टिग्मेटिज्म इज हिंदी में इसका नाम देखेंगे तो बिल्कुल आपको स्पष्ट हो जाएगा, इसे हिंदी में कहते हैं अबिंदुकता, यानी कि जो बिंदु के आकार की चित्र है वो नहीं बन पा रहा है, वो स्प्रेड हो जा रहा है, फैल जा रहा है वो इमेज, या कहीं और उस तरह से डिस्टॉर्टेड हो जा रहा है, दो जगह बन जा रही है। इस तरह की चीजें अगर हो रही हैं तो ये बेसिकली ये है कि आप फोकस एक्यूरेटली नहीं कर पा रहा है रेटिना पे, और पॉइंट साइज का इमेज नहीं बन पा रहा है, और इसी चीज को हम लोग कहते हैं एस्टिग्मेटिज्म। आप देख पा रहे होंगे कि अभी तक जितनी चार कंडीशंस को हमने बात की ये सारे के सारे कंडीशंस वही हैं जिसमें आप रिफ्रेक्शन कहीं ना कहीं बाधित हो गए, और इसमें जो एक सिलिंड्रिकल लेंस एप्रोप्रिएट, मतलब ये पहले से बताना बड़ा मुश्किल है, और एस्टिग्मेटिज्म बेसिकली रीजन करता है कॉर्निया के कारण। कॉर्निया में अगर अभी मैंने आपको पहले ही शुरुआत हमने की थी तो रिफ्रेक्शन का जिम्मेदार कौन होता है हमारे आईज में, तो रिफ्रेक्शन का मेन जिम्मेदार फिर रिपीट कर रहा हूं कॉर्निया एंड लेंस, मेजरली कॉर्निया, मेजरली बाय कॉर्निया एंड देन बाय लेंस। तो लेंस के कारण तो बेसिकली वो तीन हो गए, कॉर्निया के कारण, मेजरली कॉर्निया के कारण भी सामान्यतः ये एस्टिग्मेटिज्म होता है। जब कॉर्निया ठीक से रिफ्रेक्ट नहीं कर पाता है, उसके जो लेयर्स हैं, जो एक सतह है वो सतह ठीक नहीं होती, आप चित्र में देखें यहाँ थोड़ा कॉनिकल हो गया शेप, तो
सही चित्र नहीं बन पाएंगे और कहीं ना कहीं जो एक कंडीशन बनेगी उसे हम एस्टिगमेटिज्म कहेंगे और ये इस तरह की कंडीशंस। फिर से ये सभी दोष है, रोग नहीं। तो अभी तक हम लोगों ने इस चीज को चार रिफ्रेक्टिव एरर्स को जाना है और रिफ्रेक्शन को जाना है। अगर मीनवाइल कोई लगता है कि सवाल हो रिफ्रेक्शन और रिफ्रेक्टिव एरर से तो कोई पूछ सकता है, अगर कुछ लगता है तो पूछ सकते हैं। थोड़ा क्वेश्चन प्रश्नों का एक दायरा एजुकेशन और उस तरह के फील्ड में या विजुअली इंपेयरमेंट के दायरे में। हेलो, मे आई आस्क अ क्वेश्चन प्लीज? या आई वांटेड टू नो अबाउट व्हाट इज दिस एरर ऑफ सिलिंड्रिकल नंबर, समथिंग वी लिसन अबाउट सिलिंड्रिकल अपार्ट फ्रॉम दिस यू हैव जस्ट मेंशन। एंड नॉट एरर ऑफ सिलिंड्रिकल नंबर, दैट इज एस्टिगमेटिज्म मैम, एस्टिगमेटिज्म। सिलिंड्रिकल इज एक्चुअली नंबर, एस्टिगमेटिज्म इज प्रॉब्लम, नॉट द प्रॉब्लम इज सिलिंड्रिकल लेंस, सॉल्यूशन इज सिलिंड्रिकल लेंसेज। सिलिंड्रिकल लेंस इज सॉल्यूशन फॉर प्रॉब्लम, not these are the problem. Actually what happened in myopia, we are recommending a ophthalmologist or optometrist recommending the equal the appropriate concave lens. In hyperopia, appropriate convex lens. Similar in astigmatism, appropriate cylindrical lenses has been used because there is some changes in cornea. And, any more questions? And is it, and is it by birth which is developed, and it is like it's it might be usually it has been found by several researchers, it is genetical issues, and so it's found it's a genetical in many cases, and it could be arise due to some injury or some loss in damage on cornea also. अगर कॉर्निया में कोई क्षति होती है तो भी हो सकता है कुछ शेप चेहरा हो गया, कुछ हो गया, तो इट विल बी नॉट एप्रोप्रिएटली रिफ्रेक्ट द लाइट इन व्हाट मैनर वी आर एक्सपेक्टिंग एट टू बी रिफ्रेक्टेड रेटिना। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। व्हाट आई बेसिकली अंडरस्टैंड इज कि दैट इन केस ऑफ पर्संस हैविंग सिलिंड्रिकल नंबर्स इट इज बिकॉज़ ऑफ द शेप ऑफ द आईबॉल, एंड इफ इट इज इफ अ चाइल्ड ऑफ स्मॉल एज इज हैविंग दिस प्रॉब्लम एंड एज द चाइल्ड ग्रोज this problem to some extent. These are the very complicated issues. We cannot say that due to the eyeball. These are the very other things also. वो amblyopia भी हो सकता है जो आप condition बता रही हैं, that is due to amblyopia भी हो सकता है, और कभी-कभी हम जो और एक eye का proper stimulation नहीं हो पा रहा है दूसरे eye का, so everything is not concerned with the only refraction. We just डायग्नोज इट थ्रू द हेल्प ऑफ रिफ्रेक्शन, इट डजंट मीन कि ऐसा होगा। ये अगर हम लोग आप अगर देखेंगे इसको हम लोग जरूर कंसिडर करेंगे आप इस सवाल को। मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जब हम लोग विजुअल स्टिमुलेशन की बात करें, लो विजन के आगे आस्पेक्ट पे बात करें, देन यू पुट दिस क्वेश्चन, बिकॉज वी आर जस्ट कवरिंग राइट नाउ, वी आर फोकस्ड ऑन रिफ्रेक्शन एंड रिफ्रेक्टिव एरर, नाउ वी हैव टू स्टार्ट फॉर विजुअल एक्यूटी। So these are concepts which are limited into very 30-40 minutes or 1 hour classroom. Doesn't matter. In the end, I can ask you the question, huh? Okay, sure. Thank you so much. Thank you. So now we can proceed for concept of visual acuity and visual field. What I have been given by Ken sir. So अब visual acuity and visual field के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। देखिए विजुअल एक्विटी और विजुअल फील्ड कुछ नहीं है, हमारे विजन। जैसे मान लीजिए कि मैं कहूं कि आम का फल है तो अच्छा आम किसे कहें, आपके पास कुछ मायने होंगे, कोई तो आप बता सकते हैं कि अच्छा आम किसे कहेंगे, कपड़ा किसे अच्छा कहेंगे, आपके पास कुछ ना कुछ उसके मानदंड होंगे, वो सब्जेक्टिव हो सकते हैं, ऑब्जेक्टिव भी हो सकते हैं। इस तरह से अगर मैं कहूं कि बिल्डिंग एक कैसे एक्सेसिबल है, उसके अपने मानदंड है, तो ठीक इसी तरह से अगर मैं कहूं कि विजन अगर एक दृष्टि है, विजन हमारी है वो कैसी है, उसके बहुत सारे मानदंड है, देयर आर सर्टेन नॉर्म्स स्टैंडर्ड्स ऑन द बेसिस ऑफ विच वी कैन से वेदर वेयर विजन इज एप्रोप्रिएट और नॉट। सो टू आर द वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ विजन, दे आर टू आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वालिफायर्स फॉर द विजन, कि आप ये दो चीज है बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो विजन को एक तरह से बताते हैं कि कैसा हमारा विजन। फर्स्ट इज विजुअल एक्विटी एंड अदर वन इज विजुअल फील्ड ऑफ विजन और विजुअल फील्ड आप कह सकते हैं। सो फर्स्ट वी विल स्टार्ट विद विजुअल एक्विटी।
व्हाट इज विजुअल एक्यूटी, हिंदी में इसे दृष्टि तीक्ष्णता कहते हैं। देखिए हम जो अच्छा कहते हैं ना कि हम देख पा रहे हैं, देख पाना एक बड़ा ही व्यापक विषय है, इट्स ए वेरी कॉम्प्रिहेंसिव थिंग। सो यू आर एबल टू सी, इट इंक्लूड सो मेनी थिंग्स कि आप कलर में देख पा रहे हैं, आप स्पष्टता में देख पा रहे हैं, एक आपके पास दायरा है देख पाने का, दीज ऑल थिंग्स आर देयर। सो आप एक बड़े जब स्पष्टता में देख पाने की जो क्षमता, एक मैं कंपोनेंट ले रहा हूं, बहुत सारी चीज है, मैं सिर्फ एक चीज को ले रहा हूं, जब आप किसी चीज को बड़ा स्पष्ट रूप से देख पा रहे हैं या फिर नहीं देख पा रहे हैं या देख पा रहे हैं स्पष्टता में, तो ये जो क्वालिफायर इसका है या जो इंडिकेटर इसके लिए है वो है विजुअल एक्यूटी, यानी कि दृष्टि तीक्ष्णता। इट शोज दैट हाउ वी आर एबल टू सी द थिंग्स इन अ वेरी शार्पनेस और क्लियरनेस जो कहेंगे विजन का, ये किसको बताता है, विजुअल एक्यूटी। बड़ा सिंपल सा चीज है कि स्पष्टता में देख पाना, मान लीजिए कोई देख तो रहे हम दो लोग मान लीजिए बराबर, लेकिन जरूरी नहीं है कि हम दोनों लोग छोटे जो चीजें हैं उनको बराबर ढंग से पढ़ सके, कुछ छोटी चीजों को हम नहीं भी पढ़ सकते हैं, दूसरा बेहतर पढ़ सकता है, तो ऐसा एक कंडीशन बनता है। तो हम विजुअल एक्विटी जो है हमारे स्पष्टता में देखने की क्षमता है, फिर से मैं कह रहा हूं, विजुअल एक्विटी इज आवर एबिलिटी टू सी द थिंग्स इन डिटेल और विद शार्पनेस, सो इट्स ए सिंपली इट्स ए शार्पनेस ऑफ विजन। और इसे हम कैसे मेजर करते हैं, बेसिकली इस बात पे आते हैं कि मान लीजिए अगर मैं कहूं कि घर में तो ऐसे बैठे बैठे टीवी देख रहे हैं, नीचे न्यूज लाइन पे आता रहता है एडवर्टीजमेंट या ब्रेकिंग न्यूज छोटा सा बनकर आता रहता है, बहुत लोग उसे ठीक से नहीं देख पा रहे हैं, कुछ लोग उसे देख पा रहे हैं, तो ये बड़ा ही कैजुअल सा अप्रोच लेकर के हम लोग बात करें कि ये ऐसा कर रहे हैं, लेकिन अगर आप सो स्नेलन चार्ट जो है वो यूज किया जाता है मेजर करने के लिए विजुअल एक्टिविटी को, और जरूरी है कि सिर्फ स्नेलन चार्ट यूज किया था, आजकल तो बहुत सारे और एडवांस फीचर भी हैं, लेकिन स्नेलन हरमन स्नेलन ने बनाया और इसे यूज कर रहे हैं, तो आज भी हम इसे यूज करते हैं टू मेजर द थिंग्स कि हाउ आवर विजुअल एक्टिविटी इज एंड हाउ वी आर एबल टू सी द थिंग्स इन अ वेरी इन अ शार्पनेस मैनर, तो हम कितनी स्पष्टता में देख पा रहे हैं, कितनी अच्छी तरह से स्पष्टता में देख पा रहे हैं, इस चीज को बताता है। तो विजुअल एक्विटी एक सामान्य व्यक्ति का 6/6 माना जाता है इंडियन कंडीशन में, यूएस या कहीं और बहुत सारे देशों में उसे 20/20 आप पढ़ेंगे कहीं पे, बोथ आर सेम नॉट डिफरेंट, 6/6 जो है वो एक मीटर में लिखा हुआ, एक विजन को जब हम माप को मीटर में ले रहे हैं तो 6/6 है, यानी कि ऊपर वाला भी 6 है नीचे वाला भी 6 है, यदि हम 20/20 कहते हैं तो यानी कि वह 20 फीट में लिखा हुआ है, फीट बाय फीट है, हम उसे इसका कोई यूनिट इकाई नहीं होती है इसलिए हम लिखते नहीं है, लेकिन इसका मीनिंग यही होता है कि जो विजन है वह 6/6 है यानी मीटर में है, अगर आपको 20/20 लिखा मिले तो आप समझिएगा वो फिट में, और यहां आप जान भी लें कि 6 मीटर बराबर 20 फीट ही होता है, ऑलमोस्ट इक्वल है, बिल्कुल 20 फीट इक्वल टू 6 मीटर, 6 मीटर बराबर 20 फीट। तो जब आप विजुअल इक्विटी को 6/6 एक नॉर्मल व्यक्ति का कहते हैं, इसे समझने के लिए आपको विजुअल इक्विटी को दूसरे एस्पेक्ट में देखने की जरूरत है। यदि मैं कह दूं कि किसी व्यक्ति की विजुअल इक्विटी 6/18 है, मान लीजिए कोई बच्चा है उसका विजुअल इक्विटी 6/18 है, तो व्हाट इट मींस एक्चुअली, इसका मतलब ये बनता है कि नीचे वाला जो विजन होता है वो नीचे वाला जो एस्पेक्ट है वो एक सामान्य विजन को दर्शा रहा है, और ऊपर वाला जो पोर्शन है तो वो बता रहा है कि आप कितनी दूरी से वो अफेक्टेड आदमी देख सकता है। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, गौर से सुनिएगा कि यदि मान लीजिए किसी एक वस्तु को स्पष्टता के साथ एक सामान्य व्यक्ति 18 मीटर की दूरी से स्पष्टता के साथ देख पा रहा है, लेकिन अगर प्रभावित व्यक्ति उसको जब उस वस्तु को देखने की इच्छा रखता है या देखने जाता है तो 18 मीटर से नहीं देख पा रहा है, उसे उस वस्तु से 6 मीटर की दूरी पर खड़ा होना पड़ रहा है, यानी क्या हो गया, उसकी दृष्टि प्रभावित हो गई, कहां सामान्य व्यक्ति 18 मीटर की दूरी से देख पा रहा है और ये प्रभावित व्यक्ति क्या पर हो रहा है, 18 मीटर से नहीं देख पा रहा है, इसे उस वस्तु से 6 मीटर की दूरी पे खड़ा होना पड़ रहा है, यानी कि 12 मीटर और आगे जाना पड़ रहा है तब जाकर के वो वस्तु को देख पा रहा है, और इस कंडीशन को आप कह सकते हैं कि उसका विजन 6/18 है। फिर से मैं यहाँ 6/18 का एग्जाम्पल ले रहा हूं कि 6/18 अगर है तो ऊपर वाला न्यूमरेटर है अंश है और नीचे वाला हर है 18, ऊपर अंश कितना 6 है, हर कितना है 18, न्यूमिनेटर कितना है 6, डिनोमिनेटर कितना है
18, तो न्यूमरेटर जो इंडिकेट क्या कर रहा है, डिस्टेंस इन फीट, सॉरी फीट नहीं, मीटर आएगा, गलती से आ गया, फीट फ्रॉम चार्ट, जो चार्ट में दिख रहा है वहां कितनी दूर से वो व्यक्ति खड़ा होकर के देख पा रहा है, और जो डिनोमिनेटर है वो बता रहा है कितने दूर से एक आम आदमी या सामान्य व्यक्ति देख सकता है। तो फिर से अगर आपके सामने मिले, मैंने जैसे मान लीजिए मैं कहूं कि विजुअल एक्विटी 3/60, इसका मतलब यह हुआ कि विजुअल एक्विटी एक जो अगर किसी वस्तु को सामान्य व्यक्ति 60 मीटर की दूरी से देख पा रहा है, उसी वस्तु को उसी शार्पनेस के साथ देखने के लिए प्रभावित व्यक्ति को उस वस्तु से सिर्फ 3 मीटर की दूरी पर आके खड़ा होना पड़ रहा है तब देख पा रहा है, 3 से जरा सा दूरी पे जा रहा है तो नहीं देख पा रहा है, और जबकि सामान्य व्यक्ति कितनी दूरी से देख पा रहा है, 60 मीटर की दूरी से। तो ये विजुअल एक्विटी कितनी हो गई, 3/60, 3/60। ऐसा कोई भी जब आपके पास सामने संख्या मिले उसको इसी रूप से ले, जो फिट वाला मिलेगा आपको दिख जाएगा वो 20-20 के हिसाब से लिखा होगा, 20/200, 20/20, 20/60, इस तरह से लिखा होगा, आप आसानी से समझ सकते हैं कि वो फिट में होगा, और जो अगर मीटर में होगा तो मीटर में। यहाँ गलती से इट्स टाइपिंग एरर हुआ है, ब्रैकेट में फिट लिखा हुआ है, इन मीटर होना चाहिए यहाँ पर। नेक्स्ट जो मैं कह रहा था कि विजुअल फील्ड, विजुअल फील्ड दूसरा एक एस्पेक्ट है जो मेजर एस्पेक्ट है विजन का। विजुअल फील्ड क्या करता है कि आप एक सामने खड़े होते हैं तो आपको एक लंबाई चौड़ाई में देख पाते हैं, जो बात भी हो रही थी कि आप एक बड़े चीज को देख पाते हैं, आप कितने एंगल में देख पाते हैं, ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, कितना एंगल आपका बनता है देख पाते हैं, और ये इस चीज को भी निर्धारित करता है कि कितना अच्छे से आप घूम फिर सकते हैं, देख सकते हैं, अपने चीजों को समझ सकते हैं, आसपास चलने फिरने वाली सभी चीजों के लिए आपको एक बड़ा दायरा देखना होता है। तो एक सामान्य व्यक्ति की जो विजुअल फील्ड होती है वह 180 डिग्री होती है। अब कौन सी 180 डिग्री होती है, याद रखें जो हॉरिजेंटल फील्ड की बात कर रहे हैं वो मैं बात कर रहा हूं 180 डिग्री हॉरिजेंटल फील्ड, यानी कि जो सामने आप देखते हैं आपको सामने 180 डिग्री दिखता है। इसका एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट कीजिए, आप जहां भी बैठे हैं आप अपने दोनों हाथों को खोल दें, और जिस तरह से ये इमेज में दिख रहा है खोलें, और अपना अंगूठा या कुछ भी ऐसे थम्स अप कर लें दोनों अंगूठे से, और आप देखेंगे कि आप देख तो स्क्रीन में मुझे रहे हैं लेकिन फिर भी आपको दोनों के दोनों अपने अंगूठे दिखाई दे रहे हैं। आपने हाथ सीधा खोला है जिस तरह से ये पिक्चर में देख पा रहे हैं, आप सीधा खोलिए, हाथ ऊपर उठाइए जैसा हम लोग पीटी स्कूल में किया करते थे। आप उसको जब देखेंगे तो आप देख पाते हैं कि आप दोनों अंगूठों को देख पा रहे हैं, आप देख पा रहे हैं सामने टीवी पे फिर भी आप देख पा रहे हैं। ये जो एबिलिटी है यानी कि हमारा एक दर्शाता है कि हम 180 डिग्री के एंगल पे देख सकते हैं, हम भले ही सामने देख रहे हैं, हम किसी से बात कर रहे हैं लेकिन दाएं बाएं भी हमें कुछ ना बहुत सारा रेंज में हमारे हमारे विजुअल फील्ड में चीजें होती हैं। तो ये अगर देखें तो बीच से जो एक एंगल बनता है टेम्पररली वो बनता है 90 डिग्री, दोनों तरफ बना 180 डिग्री हो जाता है, और जो ये फिक्सेस आंख अगर ऊपर देखें तो हम ऊपर कितना देख पाते हैं, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल बात करें तो ऊपर की तरफ 50 डिग्री देख पाते हैं और नीचे की तरफ 60 डिग्री देख पाते हैं, तो 50-60 को अगर जोड़ दें तो 110 के आसपास एंगल बनता है। अगर हम वर्टिकल एक्सिस में बात करें उदग्र रूप में बात करें और क्षैतिज में बात करेंगे तो 180 डिग्री। तो इस बात को आप समझ चुके हैं कि हमारे जो एक सामान्य दृष्टि की जो की बात करें तो एक व्यक्ति की सामान्य दृष्टि अगर है तो उसका फील्ड ऑफ विजन कितना होगा, 180 डिग्री। आप इसके अतिरिक्त भी कई विजन के एस्पेक्ट हैं, कई विजन की और भी क्वालिटीज हैं, जैसे कलर में देख पाना, कंट्रास्ट जो सेंसिटिविटी है, इन सब चीज भी है, लेकिन ये दो इतने इंपॉर्टेंट है कि यही तय करते हैं कि पर्सन विजुअल डिसेबिलिटी के अंतर्गत आता है या नहीं आता। यानी कि जो हमारी जितनी कानूनी परिभाषाएं हैं, जितनी भी लीगल डेफिनेशंस हैं जुड़े हुए इससे विजुअल इंपेयरमेंट से, विजुअल डिसेबिलिटी से, वो सभी विजुअल एक्विटी और फील्ड ऑफ विजन पे ही डिपेंड है। यार आप जाएं, मेरे समझ से सभी यहाँ पर बीएड डीएड के स्टूडेंट्स हैं, आप लीगल डेफिनेशन को पढ़े तो आपको मिलेगा 6/18 या जो कुछ भी इस तरह का आपको टर्म मिलेगा वो विजुअल एक्विटी के लिए मिलेगा। जहां मिलेगा आपको 40 डिग्री, 10 डिग्री, 180 डिग्री, कुछ भी ऐसा डिग्री की बात कर रहे हैं तो फील्ड ऑफ विजन, तो आप गौर से देखेंगे तो जो लीगल डेफिनेशन है वो डिपेंडेंट किस पे है, विजुअल एक्विटी और
फील्ड ऑफ विजन पे, किसकी विजुअल डिसेबिलिटी की लीगल डेफिनेशन. सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट. अब एक और सर ने दिया है मुझे, मैं खत्म तो कर, जो जो टॉपिक मिला है मैं कोशिश करूंगा कि कवर हो, थोड़ा सा एक बेसिक मिले और फिर हम लोग बाद में डिस्कशन भी करें. कोई अभी और मौका सर जरूर देंगे. सर एक अच्छा प्लेटफॉर्म सर ने क्रिएट किया है कैंसर ने, तो उनको उस चीज के लिए साथ हुआ. तो मैं आगे बढ़ रहा हूँ डेप्थ परसेप्शन. आप कभी गौर से सोचिए कि आपकी आप कितने चीजों को, अगर मान लीजिए स्क्रीन टीवी का देख रहे हैं तो कितने देख रहे हैं, एक देख रहे हैं, मोबाइल एक देख रहे हैं, स्क्रीन पे एक आपके सामने आ रहा है, आंखें कितनी है हमारी, दो है, चीजें तो दो बन रही है हमारे, चित्र तो दो बन रही है, दिख कितनी रही है, एक रही है, ये कैसे हो गया. ये अपने आप में एक कमाल सी बातें हैं जो हमारे एक एक ब्रेन के बड़े एस्पेक्ट को डील करती हैं, जो एक कि हम चीजें तो दो देख रहे हैं, हमारे पास दो आंखें हैं, यानी कि मैं जो कंप्यूटर देख रहा हूँ एक्चुअली दो देख रहा हूँ, मैं अभी जो आपके सामने कैमरे में बैठा हूँ मुझे दो कैमरे दिख रहे हैं, लेकिन हो क्या रहा है कि जो एक्चुअली में मुझे दिख रहा है वो एक दिख रहा है, लेकिन ये तो वर्चुअल है एक्चुअली, मुझे एक दिखना नहीं चाहिए था, हमारी दो आंखें हैं, सबके आंखों में अगर है तो दो दो चित्र बन रहे हैं, हो क्या रहा है. अब ये जो हो रहा है वो एक बड़ी घटना है और ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट भी है ह्यूमन विजन का. ये होने के कारण ही ह्यूमन बींग के विजन बड़े स्ट्रांग और बड़े अच्छे हैं. ये बेसिकली बाइनोक्यूलर विजन का एक इम्प्लीकेशन है. हम हमारी दो आंखें हैं, हम दो चीज को देखते हैं और दो दो चित्र हमारे ब्रेन में जाते हैं और वो दो चित्रों को एक फ्यूज किया जाता है, फ्यूजन होता है, और इस फ्यूजन के उपरांत हमें चीजें थ्री डायमेंशनली दिख जाती है. और ये दोनों चित्र को देख पाना ये अलग अलग क्रिया है, सबका अलग अलग नाम है, फ्यूजन इज डिफरेंट थिंग, दो चित्रों का मिलना ही फ्यूजन, और ये दोनों फ्यूजन के उपरांत जो फाइनली प्रोडक्ट बनता है कि हम चीजों को थ्री डायमेंशनली देख पाते हैं, दिस इज द डेप्थ परसेप्शन. थ्री डायमेंशन समझ रहे होंगे कि हम लोकेट कर पा रहे हैं कि यहां से हमारी दूरी कितनी है, पीछे कौन सी वस्तु ज्यादा दूर है, कौन सी वस्तु कम दूरी पे, इस चीज को अगर हम लोकेट कर पा रहे हैं, इस चीजों को हम समझ पा रहे हैं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन. मैं पढ़ रहा था एक बार बहुत पहले, मैंने अक्सर क्लास में कहता हूँ कि ह्यूमन बींग सबसे एक्टिव एक प्राणी के रूप में हमारे बीच है. उसके दो तीन कारण है, एक दो कारण है, हाथ फ्री है, इसका हैंड्स आर फ्री, क्रैनियल कैपेसिटी इज वेरी बिग, बड़ा ब्रेन है, सबसे बड़ा ब्रेन है, भले आपको माथा हाथी का बड़ा दिखता हो लेकिन ब्रेन साइज सबसे बड़ा किसका है, ह्यूमन बींग का है. और ये है कि हमारा बाइनोक्यूलर विजन है, हम बड़ा अडेप्टिव है अपने विजन को लेकर के, हमारा बहुत विजन शार्प है और बड़े स्ट्रांगली हमारे क्रैनियल मतलब ब्रेन से एसोसिएटेड. तो बेसिकली डेप्थ परसेप्शन क्या है, डेप्थ परसेप्शन इज एबिलिटी टू सी थिंग्स इन थ्री डायमेंशन और लोकेटिंग थिंग्स हो गया थिंग्स ऑन स्पेस, एक्चुअली स्पेस में मतलब थ्री डायमेंशनली किसी चीज को बता पाना, कौन सी वस्तु मेरे से ज्यादा दूर है, कौन सी वस्तु मेरे से पास है. अगर अगर मैं एक बार में टेबल पे कोई चीज रखा हुआ तो मैं हाथ लगाऊं और एक बार में पकड़ लूं उसे, कैच कर पाता है क्रिकेटर कोई बॉल को, आप हॉकी वाला गोलकीपर गोल पकड़ पाता है, किसी को दूर में जाकर के आप निशाना लगा पाते हैं, ये सभी थ्री डायमेंशनल एबिलिटी जो हमारी है इसके कारण हो पाता है. और इसके लिए आप एक चित्र बगल में दिख रहा है जो लोग भी देखें, तो कि हमारे आंखों के दोनों दोनों भागों में अलग अलग चित्र बनते हैं, दोनों अलग अलग रूप से पहुंचते हैं और ब्रेन हमारा उसको विजुअल कॉर्टेक्स एरिया में उसको फ्यूज करता है और हम फाइनली एक चीज को देख पाते हैं. अगर आप गौर से देखें तो देखना जो है मेजरली एक ब्रेन का टास्क है, क्योंकि हम देखते तो एक हैं, दिख हमें दो रहा था, तो आप गौर से देखेंगे तो ब्रेन का टास्क है. अगर आप इसको देखें तो इसको हम कहते हैं कन्वर्जेंस भी कहते हैं, हमारे कन्वर्जेंस है, दो आंखों की दो चीजें दिखी हमें, उन दोनों को एक एंगल पे कुछ मेजर वाला बीच वाला पार्ट फ्यूज होता है और उसकी क्लैरिटी हमारी बहुत होती है. तो हमें जो 3D दिखता है वो बीच वाला दिखता है, दाएं बाएं हमें गौर से देखिए आप सामने देख रहे हैं, दाएं बाएं जो दिख रहा है वो स्पष्टता में नहीं दिख रहा है, स्पष्टता में कौन दिख रहा है, जहां आप फोकस कर रहे हैं. और दाएं बाएं अगर आप देखें तो दिख तो रहे चीजें, जैसे मैं इधर देख पा रहा हूं कि मेरे दाहिने हाथ पे कुछ फाइल्स हैं, इधर चेयर है, तो वो मुझे स्पष्टता में नहीं दिख रहा है. इस तरह से आप भी जब स्क्रीन देख रहे हैं, मोबाइल देख रहे हैं, आपके दाएं बाएं जो चीजें होंगी वो दिख रही होंगी लेकिन स्पष्टता में नहीं दिख रही.
तो जो भी दोनों चीज दोनों आईज की ब्रेन में प्रोसेस करते हैं और सिंगल इफेक्टिव इमेज बनाते हैं, इसको स्टेरियोप्सिस भी कहते हैं। इस क्रिया को क्या कहते हैं? स्टेरियोप्सिस। सो एक बड़ा एस्पेक्ट है डेप्थ परसेप्शन, और ये डेप्थ परसेप्शन बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर ये होता है तभी हम 3D विजन को कर पाते हैं। एक लास्ट जो टॉपिक का एक एस्पेक्ट सर ने मुझे दिया था, तो कॉन्ट्रास्ट सेंसिटिविटी। आप जब आप डॉक्टर के पास आप जाते हैं, वो चार्ट जो दिखता है स्नेल चार्ट, जिसकी मैंने अभी चर्चा भी की, और आप सब कभी ना कोई किसी ने कभी डॉक्टर के पास गए होंगे, देखा होगा आपने उस चार्ट को। एक जनरली 6 मीटर की दूरी पे होता है, नहीं तो आप उसे 3 मीटर की दूरी पर रख करके प्लेन मिरर से 6 मीटर की दूरी वर्चुअली क्रिएट करते हैं। खैर, ये सब बातें हम लोग जब असेसमेंट की बात करेंगे तब करेंगे। आज सिर्फ मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जो आप देखिए लाइट में चीजें दिखती हैं क्या, हम कुछ हमारे अपनी सेंसिटिविटी भी हो सकती है कि हम कैसे देख पा रहे हैं। अगर आप व्हाइट पे ब्लैक लिख देते हो तो कॉन्ट्रास्ट बहुत अच्छा होता है। तो क्या हम सभी लोग इतने एबल होते हैं कि हम किसी पुअर कॉन्ट्रास्ट में भी चीजों को देख पाए? जैसे मैं एक इमेज दिखा रहा हूं, तो यहां पर पूरा का पूरा जो है वो लिखा हुआ है, ऊपर से लेके नीचे तक शुरू हो रहा है ब्लैक से, व्हाइट बैकग्राउंड है और लिखा हुआ है, लास्ट तक जाते जाते पूरा व्हाइट हो चुका है। तो क्या हम लास्ट तक वाला पढ़ पा रहे हैं? नहीं पढ़ पा रहे हैं। इस तरह के टेस्ट डेजिग्नेटेड होते हैं जिससे पहचाना जा सके कितना इनमें कॉन्ट्रास्ट की सेंसिटिविटी है। कभी कभी किसी सर्जरी के कारण कॉन्ट्रास्ट बड़ा पुअर होता है। विजुअल एक्विटी दूसरी बात है, कॉन्ट्रास्ट सेंसिटिविटी दूसरी बात। हो सकता है एक व्यक्ति का विजुअल एक्विटी 6/6 हो, लेकिन कॉन्ट्रास्ट सेंसिटिविटी पुअर हो सकती है। यानी कि इस तरह के व्यक्ति अगर रात में गाड़ी चलाते हैं तो उनको कॉन्ट्रास्ट, मतलब रात में ही रात की चीजों को देखने में, कि रात में जो चीज दिखती है वो अंधेरे में थोड़ा कम, कॉन्ट्रास्ट पुअर होता है, तो उन्हें कम दिख सकता है। तो ये सब एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो विजन का एक बहुत गहन अध्ययन की चीज। ऐसे नहीं होता है कि एक ऑप्थर्मोलॉजी अलग से मेडिकल साइंस की ब्रांच है। एजुकेशन में विजुअल इंपेयरमेंट के एजुकेशन को एक अलग एस्पेक्ट रखा गया। तो मैं आप सब लोगों से कहूंगा कि ये एक बहुत ही गहन अध्ययन का चीज है और गंभीर आपके सेंसिटिविटी की भी जरूरत है। आप एक सेंसिटिव टीचर के रूप में बने, विजन को समझें और विजन के एप्लीकेशंस जो इम्प्लीकेशंस हैं उसको भी जानें। मैं समझता हूं कि मैंने जो कुछ कन्वे करना चाहा था आप लोगों को वो कन्वे हुआ होगा। फिर भी अगर आपको कोई लगता है कि कोई इसमें कुछ ज्यादा क्लैरिटी चाहिए, या आपको लगता है कि नहीं कुछ उसमें कोई और बात छूट रही हो, तो आप मेल ड्रॉप कर सकते हैं, या फिर केएन सर से भी आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि उन विषयों पर फिर से कोई और वेबिनार भी आयोजित सर करेंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि आपकी जो उत्कंठा होगी या जो समझने की प्रति आपकी रेडीनेस होगी उसको मैं पूरा कर पाया होंगा। अभी के लिए थैंक यू, धन्यवाद। अगर कोई सवाल हो तो फिर पूछ सकते हैं। थैंक यू पंकज सर, बहुत ही अच्छा इंटरेक्टिव और बड़ा डिटेल्ड समझाने वाला। एज ए स्टूडेंट अगर कोई है तो बहुत अच्छी तरह से समझा होगा इसको, और बड़े इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है ये, क्योंकि हमारे जो स्पेशल एजुकेशन की फील्ड में एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ आई के अंदर इन सब चीजों को, बेशक हम लोग आई के स्ट्रक्चर को अच्छी तरह ना समझे, मगर उसके बावजूद भी हम लोग जो ये क्या क्या कारण होते हैं, क्योंकि ब्लाइंड बच्चों को या डिसेबल या विजुअली इम्पेयर्ड बच्चों को पढ़ाने के लिए उनके विजन में किस तरह के लॉसेज होते हैं, किस तरह से ठीक किया जा सकता है, क्या क्या उसके करेक्टरिस्टिक्स होते हैं, सब चीजें बहुत अच्छी तरह से पंकज सर ने बताया बहुत ही डिटेल में। अगर प्लीज किसी को पूछना हो तो आप पंकज सर से कुछ पूछ सकते हैं, मगर सिर्फ 5 questions, क्योंकि हमारे पास थोड़ा सा लिमिटेशन है। अगर कोई पूछना चाहे तो प्लीज मोस्ट वेलकम। May I ask one question? Yes, sure, please. हाँ, I just wanted to know eyes का जो white portion है, कई बार देखा गया है कि उसमें white spot भी नजर आता है, जैसे जिसको हम कई बार सोच के feel होता है कि जैसे आँख में तिल है, तो what is that? At times some black spots are visible in the white portion of the eye. Actually, ma'am, these are basically medical aspect portion का है, और फिर भी मैं यहाँ बता रहा हूँ कि ये बेटर वो बता पाएंगे कि ये एबनॉर्मलिटी स्क्लेरा की है। हमारा आंख जो है, आप अगर आप में से कितने लोग क्रिकेट खेलते हो या नारियल को अच्छा एग्जांपल माने, हमारा 3 लेयर का आई है। बेसिकली बाहर का जो लेयर है सख्त है, जो वाइट पोर्शन है, उसके बीच का जो नारियल का आप देखते हैं, नारियल
छिलका हटाते हैं तो एक पतला सा लेयर होता है सफेद वाले के ऊपर लगा होता है, वो उतना ही पतला लेयर एक हमारा होता है जो क्लोराइड होता है, और सबसे अंदर का लेयर जो सेल्स होती है जो मेन हम जिसे खाते हैं नारियल व्हाइट वाला, तो उस तरह से मेन जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो रेटिना होता है, और लाइट रेज पहुंचती रेटिना पे बनाती है। जो स्क्लेरा है बहुत रिजिड स्ट्रक्चर है, उसमें कोई प्रॉब्लम होती भी है तो कोई बहुत इंपैक्ट नहीं करता है अंटिल अनलेस वो कुछ डैमेज, और वो बहुत सख्त होता है, तो अगर वो उसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो उसके बहुत सारे लेयर्स हैं, अब उस लेयर्स में कोई प्रॉब्लम आ सकती है, और ये मैं समझता हूँ कि ये वो फिर एक मेडिकल इंटरवेंशन की बात हो जाए। नहीं पर विजिबिलिटी में कोई डिफरेंस नहीं है, विजिबल है वो तो एक बाहर का लेयर है, इसलिए उसमें वो तो कॉस्मेटिक है ना, जो भी ये सर्जरी होती है ये सब कॉस्मेटिक पर्पस के लिए होती है। बहुत बार ब्लड वेसल्स व्हाइट ब्लड वेसल्स भी दिख जाते मतलब और बन जाते हैं ऐसा क्लॉटिंग सा, जबकि वेस्कुलर पार्ट नहीं है ये, हमारा जो बाहर का लेयर है वेस्कुलर पार्ट है ही नहीं, फिर भी वो कभी कभी दिखते हैं कारण से आता है। जो 40 के बाद है जिनको प्लस नंबर हो जाता है रीचिंग बाय 50 बढ़ता जाता है, तो उनको कोई सर्जरी पॉसिबल है? नहीं, वो सर्जरी नहीं, वो तो एक एरर है ना, लेंस अपनी फ्लेक्सिबिलिटी खो देता है, आप कभी भी आर्टिफिशियल लेंस से वो लेवल का चीज एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, वो जब लगती है लेंस भी जो जो आप लेंस लगाते भी हैं कैटरेक्ट में तो फ्लेक्सिबिलिटी वो होती नहीं है, हमारा लेंस तो यूनिक होता है जो नेचुरल होता है, वो नियर ऑब्जेक्ट को भी फोकस कर सकता है डिस्टेंस ऑब्जेक्ट को भी फोकस कर सकता है। मैं फील कर रहा हूँ कि आपका मैक्सिमम क्वेश्चन मेडिकल इंटरवेंशन से रिलेटेड है, तो आप हम लोग आप हमारे वेबसाइट को देखते रहिए वेबिनार, हम लोग लो विजन ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट के साथ भी आगे प्लान कर रहे हैं, सो दीज आर वेरी स्पेसिफिक क्वेश्चन फॉर ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, इवन मैं समझता हूँ गीतिका माथुर मैम भी ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से सवालों का जवाब नहीं दे पाए, हम लोग आपको एक आस्पेक्ट जो नॉर्मल फंक्शनिंग है आप एकदम वो एक डिजीज या उस तरह के कंडीशन पे एग्जैक्ट मेडिकल इंटरवेंशन की एस्पेक्ट कर रही हैं, सो इट्स अ डिफिकल्ट टास्क, सो यू हैव टू कंसल्ट सम ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट ऑन दैट। ओके थैंक यू सो मच, आई ग्रेट सर। एक्चुअली जो विजुअल एक्यूटी का जो मेजरमेंट होता है ना, तो वो जो आपने तो 6/18 मींस इसी का कुछ रिलेशन जो स्लेनेन चार्ट का कुछ फॉन्ट के साइज के आधार पर होता है क्या? नहीं फॉन्ट साइज, ये सवाल मैंने और भी कहीं सुना था बहुत, आप कभी एक फॉन्ट को यूज करके देखिए, वो फॉन्ट नहीं होता है, वो उसका डायमीटर मापा जाता है कि कितने डायमीटर के साइज का है, फॉन्ट का साइज नहीं कर सकते, जैसे कि बहुत लोग कहते हैं कि टाइम्स न्यू रोमन का ऐसे 12 फॉन्ट लिया 14 फॉन्ट लिया तो कितना फॉन्ट साइज है, एक्चुअली एक फॉन्ट के साइज से नहीं हो सकता, क्योंकि आप गौर से देखिएगा, मैं एग्जाम्पल देता हूँ, कोकिला फॉन्ट लें और एक आप मंगल फॉन्ट लें, मंगल और कोकिला दोनों 12 पे साइज देख करके देखिएगा, एक बहुत बड़ा दिखेगा एक बहुत छोटा दिखेगा, सो वी कैन नॉट कंपेयर इट विद द फॉन्ट साइज, बट देयर आर सम स्पेसिफिक स्क्वायर में साइज होता है ना कि लंबाई चौड़ाई कितनी होनी चाहिए, वो डायमीटर फिक्स होता है उसी पे वो बनाया जाता है, इसीलिए वो हमेशा एक लैब से बन करके आता है सेल चार्ट, आसानी से कोई ऐसे ही हम लोग नहीं बनाते हैं उसको, एक प्रॉपर मेजरमेंट के साथ आता है। थैंक यू सर। थैंक यू पंकज सर, और सभी पार्टिसिपेंट्स को भी थैंक यू बोलना चाहूंगा। अब मैं डॉक्टर सुनील कुमार शिरपुकर जी जो हमारे असिस्टेंट प्रोफेसर हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज रिसोर्स पर्सन को और पार्टिसिपेंट्स को एक वोट ऑफ थैंक्स के लिए प्लीज आप आइए। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर केन सर। सबसे पहले मैं तो माफी मांगना चाहूंगा आप लोगों से कि थोड़ा सा जो हमारा वेबिनार है ये शुरुआती में कुछ टेक्निकल एरर की वजह से थोड़ा लेट शुरू हुआ, लेकिन जैसे जैसे वेबिनार आगे बढ़ता गया हमको बहुत सारे टेक्निकल एस्पेक्ट्स आई के स्ट्रक्चर के संबंध में और बहुत सारे एजुकेशनल एस्पेक्ट्स आई के स्ट्रक्चर के संबंध में हमको आज सुनने के लिए मिला। उसके लिए सबसे पहले मैं आभार प्रदर्शन करना चाहूँगा हमारे निदेशक महोदय जी का, डॉक्टर हिमांशु दास। जब से डायरेक्टर साहब आए हुए हैं तब से अलग अलग विषयों पर बहुत सारे वेबिनार्स की जो एक सीरीज शुरू हुई है उसी सीरीज के अंतर्गत आज का जो ये सीरीज था जिसमें डीएड बीएड और एमएड के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको स्पेशल एजुकेशन के अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर अलग अलग एक्सपर्ट्स की राय और उनके जो पेशेवर उनको जो अनुभव है उनको अनुभव को साझा करने का एक माध्यम इस वेबिनार से हम लोग करने का प्रयास कर रहे हैं। आज इस सीरीज में जैसे हमने आज आई के बारे में, आई एनाटॉमी के बारे में और फिजियोलॉजी के बारे में समझा, तो सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहूँगा डॉक्टर हिमांशु दास जी का। आगे मैं धन्यवाद करना चाहूँगा डॉक्टर गीतिका माथुर मैडम का कि उन्होंने एज एन एक्सपर्ट कि आई का स्ट्रक्चर कैसे होता है उसको हमको समझाने का प्रयास किया।
साथ में डॉक्टर पंकज जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा कि डॉक्टर पंकज ने बहुत सरल शब्दों में हमको समझाने का प्रयास किया कि जितने रिफ्लेक्टिव एरर्स होते हैं उसको हम कैसे समझ सकते हैं और किस प्रकार से करेक्शन हमको करने चाहिए। और लास्ट में अंत में धन्यवाद करना चाहूंगा डॉक्टर विनोद केन जी का, जिन्होंने इस प्रोग्राम को पूरा कोऑर्डिनेट किया और भविष्य में भी इस प्रकार के बहुत सारे वेबिनार जो है उसकी एक पूरी सीरीज जो है हम लोग शुरू करने वाले हैं। और डॉक्टर केन खास करके डीएड बीएड और एमएड के स्टूडेंट्स के लिए कर रहे हैं, तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे लास्ट में मैं धन्यवाद करना चाहूँगा सभी पार्टिसिपेंट्स का जो पूरी देश भर से हमसे जुड़े हुए हैं, और आप लोग अगले ऐसे ढेर सारे जो सेमिनार्स हो रहे हैं उसमें भी प्लीज आप जुड़िएगा। अधिक जानकारी लेने के लिए आप हमारी वेबसाइट को भी देख सकते हैं, वहां पर पूरी इन्फॉर्मेशन होगी। और ऐसे पार्टिसिपेंट जो आज हमसे नहीं जुड़ पाए किसी टेक्निकल इश्यूज की वजह से, तो उसका लिंक भी हमारे वेबसाइट पे शेयर किया जाएगा यूट्यूब के माध्यम से। आप इसको पूरा, ये रिकॉर्डिंग हो रहा है, इसको दोबारा आप यदि सुनना चाहें तो दोबारा भी इसको सुन सकते हैं। अंत में सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आप सब लोग आए, आपसे विदा लेना चाहेंगे और नए वेबिनार के साथ आपसे फिर जुड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सुनील सर, और थैंक यू टू ऑल द पार्टिसिपेंट्स। थैंक यू वेरी मच।